हाँ बेटा, चलिए आगे चलते हैं। नेक्स्ट इज फ्लूड का अगला सेक्शन, दैट इज विस्कोसिटी या फिर विस्कस फोर्स। छोटा सा टॉपिक है, छोटा सा मतलब बेटा ऐसा मान सकते हो कि हम सारे एग्जाम्पल वगैरह भी कर लें इसके, मतलब क्लास में खूब सारे टॉप सारे एग्जाम्पल कर लें, तब भी बेटा ये बड़े आराम से 1.5 से 2 क्लास में निपट सकता है। तो आप आज की क्लास मान लो और अगली क्लास मान लो, अगली क्लास में भी जल्दी हो जाएगा, और बहुत सारे एग्जाम्पल अपन क्लास में कर लेंगे, तब जाके बड़ा 2 दिन लगेंगे, अदरवाइज तो ऑफकोर्स ये 1 दिन में भी हो सकता है। मैं थोड़े टफ एग्जाम्पल्स कराने के मूड में हूँ, तो बड़ा थोड़ा सा टाइम तो लग ही जाता है। ठीक, तो नेक्स्ट इज बड़ा फ्लूइड्स का अगला सेक्शन, दैट इज विस्कोसिटी। विस्कोसिटी एक्चुअली फ्लूइड्स का फ्रिक्शन है। हालांकि हम जो फ्रिक्शनल फोर्स आज तक पढ़ते आए थे उसमें ऑब्वियसली बेटा सॉलिड और सॉलिड की जो सरफेस थी उनके बीच में जो रेजिस्टिव फोर्स था उसको हम फ्रिक्शनल फोर्स कहा करते थे। लिक्विड और लिक्विड के बीच में लगने वाला, लिक्विड के लेयर्स के बीच में लगने वाला जो फ्रिक्शनल फोर्स है उसे हम विस्कस फोर्स कहते हैं। कुछ एग्जाम्पल्स के अंदर हम इसको लिक्विड और सॉलिड के बीच में भी कह सकते हैं। कुल मगर कहने का अर्थ यह कि जिसमें फ्लूइड्स हों, जिसमें से एटलीस्ट एक इंटरेक्टिंग बॉडी जो है वो फ्लूइड हो और फिर कोई फ्रिक्शनल फोर्स लगे, फिर कोई रेजिस्टिव फोर्स लगे, दैट काइंड ऑफ फोर्स इज नोन एज विस्कस फोर्स एंड दिस प्रॉपर्टी ऑफ फ्लूइड इज नोन एज विस्कोसिटी। तो चलिए बेटा मेरी बात सुनेगा, विस्कोसिटी इज प्रॉपर्टी ऑफ फ्लूइड्स ड्यू टू विच फ्लूइड्स अप्लाई ए रेजिस्टिव नॉन कंजर्वेटिव फोर्स, ए रेजिस्टिव नॉन कंजर्वेटिव फोर्स हाँ बेटा क्या बोलते थे, विस्कोसिटी इज प्रॉपर्टी ऑफ फ्लूइड्स ड्यू टू विच फ्लूइड्स अप्लाई ए रेजिस्टिव नॉन कंजर्वेटिव फोर्स व्हेन देयर इज रिलेटिव मोशन बिटवीन लेयर्स ऑफ फ्लूइड इन कॉन्टैक्ट। जो फ्लूइड की लेयर कॉन्टैक्ट में है उनके बीच में अगर रिलेटिव मोशन है तो उस रिलेटिव मोशन को अपोज करता हुआ एक तरह का फ्रिक्शनल फोर्स, एक तरह का रेजिस्टिव फोर्स, दैट फोर्स इज नोन एज योर विस्कस फोर्स, या बड़ा दैट प्रॉपर्टी इज नोन एज विस्कोसिटी। ये मैं पहले बोल चुका हूं कि एक नॉन कंजर्वेटिव फोर्स है, इस फोर्स के कॉरेस्पॉन्डिंग बेटा किसी प्रकार की कोई पोटेंशियल एनर्जी डिफाइंड नहीं होगी, बल्कि इसके अगेंस्ट किया गया कोई भी जो वर्कडन होगा वो बिल्कुल सिस्टम में से वेस्ट हो जाएगा। जैसे याद कीजिए काइनेटिक फ्रिक्शन के अगेंस्ट किया गया कोई भी वर्कडन जो था वो सिस्टम में स्टोर नहीं होता था बल्कि सिस्टम में से वेस्ट हो जाएगा। काफी वैसा सही है, जैसे बड़ा मान लीजिए कि आपके पास फ्लूइड की एक लेयर ये और फ्लूइड की दूसरी लेयर ये, फ्लूइड की इस लेयर के पास वेलोसिटी वी है और इस लेयर के पास बेटा वेलोसिटी वी प्लस डी वी है, तो इस नीचे वाली लेयर के रेस्पेक्ट में ऊपर वाली लेयर के पास वेलोसिटी है आगे, तो इस रिलेटिव वेलोसिटी के अपोजिट डायरेक्शन में एक टेंजेंशियल फोर्स लगेगा। नॉर्मल फोर्स नहीं, टेंजेंशियल, टेंजेंशियल बोल सकते हो या फिर शियर फोर्स बोल सकते हो। यह फोर्स ऑफ कोर्स इस सरफेस पर तो पीछे लगेगा, बाय एक्शन रिएक्शन पेयर इस पर यही वाला फ्रिक्शनल फोर्स आगे लगेगा। इस सरफेस के रेस्पेक्ट में ये वाले सरफेस पीछे जा रही है तो फ्रिक्शनल फोर्स आगे, नीचे वाले लेयर के रेस्पेक्ट में ऊपर वाली लेयर आगे जा रही है तो फ्रिक्शनल फोर्स इस पर पीछे। जो भी ये फोर्स होगा ये रिलेटिव मोशन को अपोज कर रहा है एंड इट दिस फोर्स इज नोन एज ऑफ कोर्स विस्कस फोर्स। बट दिस फोर्स इज नोन एज विस्कस फोर्स। दिस फोर्स इज ऑफ कोर्स एक नॉन कंजर्वेटिव फोर्स, इट इज ए
non-conservative force. There is no potential energy defined for this kind of force. Obvious बात है बेटा कि ये जो force होगा ये बेटा एक तरह से resistive force है. ये किस direction में लग रहा है तो आप कह सकते हो कि एक तरह का ये shear force है. बेटा shear के लिए एक शब्द और use होता है, that is tangential. क्योंकि किधर लग रहा है? ऑफ कोर्स बड़ा सरफेस के अलोंग लग रहा है, सरफेस के परपेंडिकुलर नहीं, सरफेस के अलोंग लग रहा है. तो आप लिखना चाहो तो लिख सकते हो एक्ट्स अलोंग टेंजेंशियल डायरेक्शन. लास्ट बात किस तरफ लगता है? आप कह सकते हो कोई भी दो लेयर्स के बीच में जो रिलेटिव वेलोसिटी होगी उसके अपोजिट लगेगा. इट इज always opposite to relative velocity. Fair enough? ठीक है बेटा, आसान सी बात है बेटा, कोई बहुत भारी बात नहीं. ये बेटा आपका विस्कस फोर्स है या विस्कोसिटी है. एक बात और कहूंगा बेटा, जो हमारे लिक्विड्स हैं उनके लिए आप ऐसा कह सकते हो कि जितनी ज्यादा डेंसिटी होगी उनके अंदर विस्कोसिटी की प्रॉपर्टी उतनी ही ज्यादा होगी. विस्कोसिटी की प्रॉपर्टी ज्यादा होगी देन आई ऑब्वियसली मीन दैट कि जो हमारा विस्कस फोर्स होगा वो ज्यादा होगा. किसमें? डेंसर लिक्विड्स के अंदर. डेंसिटी जितनी ज्यादा विस्कोसिटी उतनी ही ज्यादा और विस्कस फोर्स उतना ही ज्यादा. हमारे जो गैसेस हैं उनके अंदर बेटा थोड़ा सा उल्टा है, उनकी डेंसिटी जितनी ज्यादा होगी विस्कोसिटी की प्रॉपर्टी उनमें उतनी ही कम होगी और इस कारण बेटा वो जो लगने वाला विस्कस फोर्स होगा वो थोड़ा कम होगा. ये बेटा कोई ऐसे एब्सोल्यूट रूल नहीं है, एक जनरल रूल है कि इन जनरल लिक्विड्स में ऐसा और गैसेस में ऐसा है. ठीक है, इनके एक्सेप्शंस भी हो सकते हैं तो ऐसे लिख दिया. ठीक, ऐसे लिख दिया. इन जनरल ऐसा है, इनके एक्सेप्शंस भी हो सकते हैं बट वी डोंट हैव टू नो इट. ये बड़ा हमारा दिस प्रॉपर्टी इज नोन एज विस्कोसिटी. फेयर इनफ. ये जो मैंने बोलने को तो ऐसा बोल दिया कि बड़ा ये एक तरह से फ्लूइड्स जो हैं उनका फ्रिक्शनल फोर्स जो है ना, फ्लूइड्स का जो फ्रिक्शनल फोर्स है उसी का हमने नाम निकाल दिया है. उनका हमने नाम निकाल दिया, ऑफ कोर्स बड़ा क्या नाम निकाल दिया, विस्कस फोर्स. लेकिन बस इतनी ही सिमिलरिटी है कि ये रिलेटिव वेलोसिटी के अपोजिट होगी, नॉन कंजर्वेटिव होगी, रेजिस्टिव काइंड ऑफ फोर्स होगा. फॉर्मूला वगैरह काफी डिफरेंट रहेगा बड़ा, फॉर्मूला काफी डिफरेंट रहेगा. फॉर्मूला इतना आसान नहीं रहेगा क्योंकि काइनेटिक फ्रिक्शन वगैरह का फॉर्मूला बड़ा आसान था. यहां बड़ा फॉर्मूला इतना आसान नहीं है. फॉर्मूला क्या है हम उसको बड़े आराम से देखते हैं. चलिए बेटा अगले पेज पे देखते. नेक्स्ट इज एक मिनट बेटा, विस्कस फोर्स देखें उससे पहले एक छोटी सी टर्म और देख लेते हैं, दैट इज वेलोसिटी ग्रेडियंट. बड़ा एक ग्रेडियंट शब्द ऐसा नहीं कि बड़ा आप पहली बार सुन रहे हो, बड़ा एक ग्रेडियंट शब्द आपने बहुतों बार सुन रखा है. जब भी हम किसी चीज की रेट निकालते हैं विथ रेस्पेक्ट टू चेंज इन पोजिशन तो उसे हम ग्रेडियंट कहते हैं. विथ रेस्पेक्ट टू टाइम निकालते हैं तो सिर्फ ऑफ कोर्स रेट ही बोलते हैं, और किसी चीज के चेंज होने की दर निकालें विथ रेस्पेक्ट टू पोजिशन थोड़ा उसे हम ग्रेडियंट कहते हैं. तो यहां पर वेलोसिटी ग्रेडियंट क्या है सुनना. जैसे मान लीजिए कि बेटा ये रिवर का बेड है, बेटा रिवर का पैंदा है, बेड है, और बेटा इसके ऊपर पानी है, बड़ा इसके ऊपर पानी है इस तरह से. ठीक है, और जो पानी है वो बड़ा इस तरह से फ्लो कर रहा है ऐसे, पानी बड़ा ऐसे फ्लो कर रहा है. ये पानी की फ्री सरफेस, जो सबसे ऊपर वाली सरफेस है ये बड़ा पानी की फ्री सरफेस. ये जो सबसे नीचे है ये बड़ा ऑफ कोर्स बॉटम है,
अब जो बॉटम है, जो पूरी पूरी बड़ा रिवर का बड़ा रिवर की विड्थ नहीं है, बड़ा रिवर की हाइट है, ये ऊपर ऊपर वाला पानी जो नजर आता है, और जैसे नीचे जाओगे नीचे जाओगे नीचे जाओगे नीचे जाओगे, यहाँ पर ग्राउंड आ जाएगा। तो ये रिवर का बड़ा वो हिस्सा है जहाँ पर हम ऐसे स्विम कर सकते हैं, नीचे जाएंगे नीचे जाएंगे नीचे जाएंगे, तो यहाँ पर ज़मीन मिल जाएगी। तो ये ज़मीन का पैंदा है, ठीक है। और कुल मिलाकर रिवर की जो डेप्थ है वो बड़ा मैं एच लिख रहा हूँ, जो रिवर की जो डेप्थ है बड़ा मोस एक बार के लिए एच लिख रहा हूं, इट इज डेप्थ ऑफ रिवर, ठीक है। अब सुनना, जो लिक्विड के पार्टिकल्स रिवर के बेड के बिल्कुल पास होंगे, तो रिवर का जो बेड होगा वो ऑफ कोर्स उन रिवर के पार्टिकल्स पर फोर्स लगाएगा पीछे की तरफ, पानी फ्लो करना चाहेगा आगे की तरफ, तो रिवर का जो बेड होगा वो इन वाटर के मॉलिक्यूल्स को रेस्ट पे रखना चाहेगा। तो जो सबसे नीचे जो मॉलिक्यूल होगा जो रिवर के बेड के बिल्कुल टच में होगा, उसकी वेलोसिटी टेंडिंग टुवर्ड जीरो होगी, मतलब बहुत कम होगी। लेकिन इसके ऊपर ही ऊपर सबसे ऊपर जो मॉलिक्यूल है वाटर का, वो थोड़ा फ्री है, वो थोड़ा फ्री है, उसके पास बड़ा ऑफ कोर्स वेलोसिटी सबसे ज्यादा होगी। तो होगा क्या कि बड़ा इस पार्टिकल के पास वेलोसिटी ज्यादा होगी और इस पार्टिकल के पास वेलोसिटी कम होगी। कम मतलब मैं जीरो मान रहा हूं कि दिस पार्टिकल विल हैव वेलोसिटी टेंडिंग टुवर्ड जीरो। होगा क्या कि यहां से रिवर के बॉटम से, रिवर के पैंदे से, जैसे जैसे मैं ऊपर जाऊंगा वैसे वैसे बड़ा वाटर के पार्टिकल्स की वेलोसिटी बढ़ेगी 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 बढ़ेगी, और हम ऐसा रफली अज्यूम कर सकते हैं कि यहां वाले पार्टिकल की स्पीड थोड़ी ज्यादा होगी, यहां वाले पार्टिकल की स्पीड और ज्यादा होगी, यहां वाले पार्टिकल की स्पीड और ज्यादा होगी, और यहां वाले पार्टिकल की स्पीड और ज्यादा होगी, और यहां वाले पार्टिकल तो फ्री है बेटा, उसकी स्पीड सबसे ज्यादा होगी, सबसे ज्यादा पार्टिकल बेटा किस स्पीड से होगी, सबसे ऊपर वाले की। तो ऐसा नहीं कि बेटा सारे के सारे रिवर के सारे पार्टिकल सेम स्पीड जा रहे हैं, जो बॉटम वाले पार्टिकल्स हैं वो मोर और लेस रेस्ट पे, जैसे जैसे हम ऊपर जाएंगे वैसे वैसे पार्टिकल्स की स्पीड लगातार बढ़ेगी, और सबसे ज्यादा स्पीड के अंदर वो वाले पार्टिकल्स मूव करेंगे जो सबसे ऊपर है, वो यूं जा रहे हैं। अच्छी बात, एज यू कैन सी दैट की वेलोसिटी इज वेरिंग विथ पोजिशन। अब मैं ये कहना चाहता हूं, सुनना बेटा, मैं कहना चाहता हूं कि बॉटम से एक्स डिस्टेंस ऊपर ये जो बड़ा वाटर का पार्टिकल है इसकी वेलोसिटी वी है, लेट्स से। तो बॉटम से x प्लस dx डिस्टेंस ऊपर, ये डिस्टेंस कितनी हो गई dx, x प्लस dx डिस्टेंस दूर जो पार्टिकल होगा उसकी स्पीड बड़ा लेट्स से v प्लस dv है। तो यहां से लेकर यहां तक जो वेलोसिटी का चेंज है बड़ा दैट इज dv, और यहां से यहां तक जो पोजीशन का चेंज है बड़ा दैट इज dx। चेंज इन वेलोसिटी अपॉन चेंज इन पोजिशन, बड़ा यहां से यहां तक चेंज इन वेलोसिटी अपॉन चेंज इन पोजिशन, इट इज डिफाइंड एज वेलोसिटी ग्रेडियंट। अगर dv by dt होता तो एक्सेलरेशन होता, ये क्या है, ये वेलोसिटी का चेंज है विथ रेस्पेक्ट टू टाइम नहीं, विथ रेस्पेक्ट टू चेंज इन पोजिशन, कितनी कितनी पोजिशन को चेंज करने पर कितनी कितनी वेलोसिटी का चेंज आता है। एंड दिस टर्म इज नोन एज अवर वेलोसिटी ग्रेडियंट, दिस टर्म इज नोन एज, मेरे बच्चे, वेलोसिटी ग्रेडियंट। इसको अगर मैं सीधा यहां से यहां लिखूं तो मैं बड़े आराम से कह सकता हूं कि यहां से यहां तक जो वेलोसिटी का चेंज है दैट इज ऑफ कोर्स v नॉट माइनस जीरो, यहां की बड़ा वेलोसिटी v नॉट है, यहां की वेलोसिटी जीरो है, तो यहां से वेलोसिटी कितना चेंज हुआ v नॉट अपॉन यहां से यहां तक पोजिशन का क्या चेंज है। तो बच्चे बोलेंगे सर ये टोटल डेप्थ आपको एच दे रखी है, दैट इज एच, तो दैट कम्स आउट बी v नॉट अपॉन एच, this is known as your velocity gradient, but this is known as your velocity gradient। हम ही मान के चलते हैं इस चैप्टर के अंदर, हम ही मान के चलते हैं कि हर बराबर बराबर लेंथ पर बराबर बराबर वेलोसिटी का चेंज आएगा, मतलब आपका जो dv by dx है ये यूनिफॉर्म आएगा।
हम इस चैप्टर के अंदर हमारी कैलकुलेशन में मोस्टली ये होगी कि हम बराबर बराबर हाइट पर बराबर बराबर चेंज इन वेलोसिटी मानकर चलेंगे। मैं वैल्यू के साथ एक दिखा भी दूंगा, तुम चिंता मत करो। पहले यहां पर अपनी बात करते हैं। ये जो वेलोसिटी ग्रेडियंट है, सबसे पहले बड़ा इसकी यूनिट, ऊपर तो चेंज इन वेलोसिटी है, चेंज इन वेलोसिटी इज ऑफ कोर्स मीटर पर सेकंड, डिवाइड बाय चेंज इन पोजीशन, दैट इज ऑफ कोर्स मीटर। बड़ा मीटर से मीटर कैंसिल हो गया, इसकी यूनिट विल बी सेकंड इनवर्स। हम इसको हर्ट्ज नहीं लिख देंगे, सेकंड इनवर्स ही लिखेंगे, हर्ट्ज नहीं लिखते बेटा। हर्ट्ज तो फ्रीक्वेंसी लिखते हैं, ये फ्रीक्वेंसी नहीं है, इट इज वेरी डिफरेंट फ्रॉम फ्रीक्वेंसी। इसका बल्कि फ्रीक्वेंसी से कोई खास रिलेशन है भी नहीं। कोई मुझसे पूछे कि इसकी डायमेंशन क्या है, ऑफ कोर्स बेटा वन अपॉन टाइम होगी। वन अपॉन टाइम को बेटा हम बड़े आराम से टी की पावर माइनस वन लिख सकते हैं, ये इसकी बड़ा डायमेंशन है। ये बड़ा इसकी डायमेंशन, फेयर इनफ। तो बड़ा ये हमारी वेलोसिटी ग्रेडियंट है। अब मैं यहां पर एक छोटा सा एक एग्जाम्पल के थ्रू भी बेटा कुछ बोलना चाहता हूं, सुनना। जैसे बेटा मान लीजिए कि ये रिवर का बॉटम, ये मान लीजिए कि बेटा यहां से यहां तक की जो हाइट है ये 10 मीटर है, ठीक है। बेटा पानी फ्लो कर रहा है सामने की तरफ, अच्छी बात है, ठीक है। जो बॉटम वाला पार्टिकल होगा उसकी वेलोसिटी जीरो होगी। मान लो बेटा सबसे ऊपर वाला जो पार्टिकल है वो सामने की तरफ 10 मीटर से भाग रहा है। इस पार्टिकल की स्पीड जीरो, इस पार्टिकल की स्पीड 10 मीटर पर सेकेंड, और जो बीच वाले होंगे बेटा उनकी स्पीड जीरो से लेकर 10 तक कितनी भी हो सकती है। अब देखना, अगर मैं आपसे सीधा ही पूछ लूं कि इस केस में आपका वेलोसिटी ग्रेडियंट क्या होगा, तो आपका जवाब होगा कि सर यहां से यहां तक, बॉटम से टॉप तक वेलोसिटी का जो चेंज है दैट इज 10 मीटर पर सेकेंड। यहां से तक पोजीशन का जो चेंज है दैट इज ऑफ कोर्स 10 मीटर। सो आंसर कम्स आउट टू बी 1 सेकंड इनवर्स। इसका मतलब यह है कि 1 मीटर ऊपर आऊंगा तो वेलोसिटी 1 मीटर पर सेकंड होगी, 2 मीटर ऊपर आऊंगा यहां से 1 मीटर बड़ा बॉटम से तो वेलोसिटी 2 मीटर पर सेकंड होगी। बॉटम से अगर मैं 8 मीटर ऊपर आऊंगा तो इस पार्टिकल की वेलोसिटी 8 मीटर पर सेकंड होगी। बॉटम से अगर 9 मीटर ऊपर आऊंगा तो बड़ा वेलोसिटी 9 मीटर पर सेकंड। हर एक एक मीटर पे 1-1 मीटर पर सेकंड वेलोसिटी लगातार बढ़ती जा रही है। अगर बॉटम से 5 मीटर ऊपर आऊंगा तो बड़ा वेलोसिटी मेरे पास 5 मीटर पर सेकेंड लगे, हर बराबर बराबर डेप्थ पर बराबर बराबर चेंज इन वेलोसिटी है, क्योंकि हम ही मान के चल रहे हैं कि आपका डीवी बाय डीएक्स जो यूनिफॉर्म है, डीवी बाय डीएक्स आपका वो कांस्टेंट है। आई होप यू गेट द पॉइंट, ठीक है बेटा। आसान सा काम था, कोई बहुत भारी काम नहीं था। आगे चलते हैं, नेक्स्ट इज, सुनिए बेटा, फोर्स ऑफ विस्कोसिटी। सुनिए बच्चों, फोर्स ऑफ विस्कोसिटी बेटा हमें फॉर्मूला आना चाहिए, समझना चाहिए, उस फॉर्मूले पे हम सवाल भी करेंगे, है ना, और हमें सारी बातें ढंग से आने भी चाहिए। तो चलिए बेटा एक बार अपन फॉर्मूला देख लेते हैं, क्या फॉर्मूला है और उस पर हम सवाल भी करेंगे। फॉर्मूला बड़ा पहले बोल दूं, एक्सपेरिमेंटल है, ठीक है, हमारे लेवल पे इसका कोई प्रूफ वगैरह नहीं, ठीक है, मैं क्लियरली बोल रहा हूँ बेटा इस बात को। सुनिए बेटा, मान लीजिए कि आपके पास बड़ा इस तरह से कोई रिवर का बड़ा बॉटम है, ठीक है, और बड़ा पूरे में बड़ा पानी इस तरह से बह रहा था, बड़ा पानी ऐसे है, जो भी लिक्विड है बड़ा वो ऐसे सामने की तरफ बड़ा बहने की कोशिश कर रहा हूं। एक बार मान लीजिए कि एक बार, चलो बड़ा मैं ऐसे कुछ बातें बोल दूं फिर और देखते हैं, एक मिनट, पानी बड़ा एक बार के लिए चले रेस्ट पे,
और मैंने जो इसकी डेप्थ है बेटा वाटर की वो एच लिख ली है। एच जो है ये डेप्थ है, ठीक है, सुनना भी। इसके ऊपर बेटा एक बोट है ऐसे, ये बड़ा बोट है। बोट का जो बेस एरिया है ये ए है, एरिया ए है, और ये जो बोट है बेटा सामने की तरफ जाना चाह रही है विद सम वेलोसिटी वी, कोई फोर्स वगैरह लगाकर मैंने बोट को सामने की तरफ वी वेलोसिटी से भेज दिया। जैसे ही इस लिक्विड के रेस्पेक्ट में बोट जाएगी आगे, तो ये जो लिक्विड, अच्छा हाँ, बोट जो है जैसे आगे जाएगी अपने साथ वाले लिक्विड को, अपने साथ वाले लिक्विड को भी सामने की तरफ अपने साथ लेकर जाना चाहेगी, और उसकी जो वेलोसिटी होगी वो v से थोड़ी सी कम होगी, हल्की सी कम होगी बस। हाँ, इस लिक्विड के रेस्पेक्ट में बोट के पास वेलोसिटी है आगे, तो ऑफकोर्स बोट पर कुछ ना कुछ विस्कस फोर्स लग जाएगा पीछे, विस्कस फोर्स लग जाएगा पीछे, विस्कस फोर्स लग जाएगा पीछे। अब बोट की अगर वेलोसिटी वी है तो उसके जस्ट नीचे जो चिपके हुए जो मॉलिक्यूल्स हैं, चिपके हुए जो पार्टिकल्स हैं, उनके पास वेलोसिटी वी से थोड़ी सी कम होगी। प्रैक्टिकली कैलकुलेशन के लिए मैं मान सकता हूं कि उनकी वेलोसिटी वी है, हालांकि वी नहीं होगी, वी माइनस डीवी होगी, वी से थोड़ी सी कम होगी। और जो नीचे वाले पार्टिकल्स हैं बट ऑफकोर्स उनके पास तो वेलोसिटी अभी वी है ही नहीं, इस नीचे वाले मॉलिक्यूल के पास वेलोसिटी कम है, इसके पास और 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 कम है, और इसके पास तो जीरो है। ठीक है बेटा, विस्कस फोर्स लगेगा पीछे की तरफ। सर ये विस्कस फोर्स होगा कितना बेटा? दिस विस्कस फोर्स विल बी, मैं तो फॉर्मूला लिख रहा हूं बेटा, मैं नहीं कह रहा कि मैं प्रूव कर रहा हूं। This viscous force will be directly proportional to cross-sectional area. जितना ज्यादा ये वाला cross-sectional area होगा उतने ही ज्यादा इस boat के जो molecules होंगे वो water के molecules से attached होंगे, उतने ज्यादा molecules attached होंगे, जितने ज्यादा molecules attached होंगे intermolecular force उतना ही ज्यादा लगेगा, intermolecular force interatomic intermolecular attraction जितना ज्यादा होगा of course viscous force उतना ही ज्यादा होगा। This viscous force will be directly proportional to velocity gradient and the formula will be like this ki viscous force is equals to some constant into a into dv by dx. This is the formula which we are going to remember. Jo formula mein yaad rakhna hai, the formula is like this ki viscous force is equals to eta into a into dv by dx. ये जो नीटा है बेटा, ये जो नीटा है इट इज नोन एज कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी। दिस नीटा इज नोन एज कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी, और ये कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी डिपेंड करेगा लिक्विड पे, अलग अलग लिक्विड का कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी अलग अलग होगा। तो दिस कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी इज ऑफ कोर्स प्रॉपर्टी ऑफ फ्लूइड, किसी किसी फ्लूइड की कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी ज्यादा होगी, किसी किसी फ्लूइड की कम होगी, अक्सर लिक्विड्स की ज्यादा होती है, गैसेस की कम होती है। तो जो नीटा है बेटा आपका, जो लिक्विड्स का होगा इट विल बी लार्जर देन नीटा ऑफ गैसेस, इन जनरल बोल रहा हूं बेटा। और लिक्विड्स के केस में मैं आपको बता चुका हूं कि जितने लिक्विड्स डेंस होंगे बेटा उनका कोएफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी उतनी ही ज्यादा होगी। तो मोस्टली सवालों में हम लिक्विड ही होते हैं, तो लिक्विड्स के लिए आप ऐसा कह सकते हो कि डेंसिटी जितनी ज्यादा उनका कोएफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी उतना ही ज्यादा, कोएफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी ज्यादा तो ऑफकोर्स बेटा आपका विस्कस फोर्स भी तो ज्यादा। इस कोएफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी की क्या हम यूनिट वगैरह निकाल सकते हैं? बिल्कुल निकाल सकते हैं, लेफ्ट हैंड साइड में तो न्यूटन है। चलो ठीक है, नीटा की मुझे निकालनी है, एरिया इज ऑफ कोर्स मीटर स्क्वायर, और डीवी बाय डीएक्स हमने बड़ा अभी निकाले थे सेकंड इनवर्स, तो नीटा की यूनिट आ गई है न्यूटन,
अपॉन सेकंड इनवर्स तो ऊपर गया, तो सेकंड अपॉन मीटर स्क्वायर। लो बेटा नीटा की जो एस आई यूनिट आई है दैट इज न्यूटन सेकंड पर मीटर स्क्वायर, दैट इज नीटा सेकंड पर मीटर स्क्वायर। बेटा ये इसकी एस आई यूनिट है, लेकिन सवालों के अंदर बेटा इसकी एस आई यूनिट इतनी यूजफुल नहीं होती। मतलब सवालों के अंदर अक्सर है ना नीटा जो है वो एस आई यूनिट में नहीं दे रखा होता, वो सीजीएस में दे रखा होता है। मैं भी बता दूंगा, मतलब ये एक नया काम हो गया। शुरुआत से लेकर अब तक कम से कम फिजिक्स में तो हमने देखा कि हर चैप्टर के अंदर हर फिजिकल क्वांटिटी जो थी उसकी एस आई यूनिट ही सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट थी। पहली बार ऐसा लग रहा है कि कोई ऐसी फिजिकल क्वांटिटी है जिसकी एस आई यूनिट ना बल्कि सीजीएस यूनिट ज्यादा फेमस है, तो चलो वो भी देख लेते हैं। तो इसकी सीजीएस यूनिट क्या होगी बेटा, सुनना उसके बारे में। हमने कह दिया कि एस आई यूनिट तो है न्यूटन सेकंड पर मीटर स्क्वायर, ठीक है बेटा। मुझे इसको सीजीएस में कन्वर्ट करना है, करता हूं। एक न्यूटन इज आई होप यू रिमेंबर 10^5 डाइन, सेकंड बेटा सेकंड ही रहता है, डिवाइड बाय मीटर स्क्वायर। बेटा मीटर स्क्वायर कैन बी रिटन एज 10^4 सेंटीमीटर स्क्वायर, तो इट हैज कन्वर्ट इनटू 10 डाइन सेकंड पर सेंटीमीटर स्क्वायर। तो हमारी जो एस आई यूनिट है उसके लिए आप बोल सकते हो कि हमारी एक एस आई यूनिट जो है वो 10 टाइम्स डाइन सेकंड पर सेंटीमीटर स्क्वायर के बराबर है, ठीक है बेटा। और ये जो डाइन सेकंड पर सेंटीमीटर स्क्वायर है बेटा, इसको हम बोलते हैं पॉइस। प्यारे बच्चों क्या बोलते हो, पॉइस। तो याद रखना इस बात को कि आपकी एक न्यूटन सेकंड पर मीटर स्क्वायर जो है वो 10 पॉइस के बराबर होगी। और अक्सर सवाल के अंदर बेटा मैं पहले बोलता हूं कि अक्सर आपको पॉइस दे रखा होता है, तो पॉइस जो है वो एस आई यूनिट नहीं है, पॉइस एस आई यूनिट नहीं है, एस आई यूनिट तो न्यूटन सेकंड पर मीटर स्क्वायर है, ध्यान रखना पड़ेगा। अच्छा बेटा एक बात और बोल दूं, 10 को ना डेका भी कहते हैं, 10 को डेका भी कहते हैं, तो इसलिए ना आप ये भी कहीं ना कहीं लिखा हुआ देखोगे कि एक न्यूटन सेकंड पर मीटर स्क्वायर जो है इट इज 10 को बोलते हैं डेका, तो इसको बोलते हैं इट इज 1 डेका पॉइस। क्या बोल देते हैं बेटा, 1 डेका पॉइस। तो बेटा इस बात का ध्यान रखना, यही एक ऐसी फिजिकल क्वांटिटी है पूरी अपनी कहानी के अंदर, अपने जितनी फिजिक्स पढ़ी है उसमें, जिसकी सीजीएस यूनिट इज मोर इंपॉर्टेंट एज कंपेयर टू एस आई यूनिट। और अगर हम इस बात पर ध्यान नहीं देंगे तो हमारे आंसर आ सकते हैं गलत, ठीक है। तो मैं एक बार कहीं साइड में लिख दूं कि मैं क्या कहना चाहता हूं, मैं बेटा ये कहना चाहता हूं कि आप थोड़ा सा गौर करें। मान लो कभी अगर 10 पॉइस लिखा हुआ हो तो समझ जाना कि अगर मैं इसको एस आई यूनिट में करूंगा कन्वर्ट तो इट विल बी 1 न्यूटन सेकंड पर मीटर स्क्वायर। अगर कभी 20 पॉइस लिखा हुआ आया तो मैं समझ जाऊंगा कि 20 पॉइस इज बेसिकली 2 न्यूटन सेकंड पर मीटर स्क्वायर। हर बार 10 से डिवाइड कर देंगे। अगर मान लो कभी 100 पॉइस लिखा हुआ आया तो मैं बड़े आराम से समझ जाऊंगा कि दिस इज 10 न्यूटन सेकंड पर मीटर स्क्वायर। अगर कभी बड़ा मान लो कि 1 पॉइस लिखा हुआ आया तो मैं बड़े आराम से समझ जाऊंगा कि 1 पॉइस इज 0.1 न्यूटन सेकंड पर मीटर स्क्वायर। समझ गए इस बात को। तो अक्सर बेटा सवालों के अंदर नीटा की जो वैल्यू है वो पॉइस में दे रखी होती है, और पहले बेटा उसको अगर आप सारा का सारा सवाल अगर आप एस आई यूनिट में कर रहे हो, अगर आप कर रहे हो तो बेटा आपको पहले उसको कन्वर्ट करना पड़ेगा। आई होप बेटा आप कन्वर्ट कर भी लोगे, ठीक है बच्चों। मैं यहां पर एक बात और बोल दूं बेटा, हमारे जो कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी है इसके डायमेंशन और लिख देते हैं बेटा, हालांकि मुझे याद तो नहीं रहती, निकाल लेते हैं डायमेंशन में। बड़ा ऊपर तो न्यूटन, न्यूटन की डायमेंशन बड़ा फोर्स है, तो एम एल टी माइनस टू इंटू टाइम, थोड़ा एक टी और आ जाएगा, डिवाइड बाय एरिया, तो एरिया आ गया एल स्क्वायर, तो डायमेंशन आ गई एम एल माइनस वन टी माइनस वन। तो कोई डायमेंशन पूछे तो आप लिख सकते हो दैट इज एम एल माइनस वन टी माइनस वन, ठीक है।
ठीक है बेटा आगे चलते हैं। एक बेटा मैं इन्फॉर्मेटिव बात और बोल रहा हूँ, उसको कभी कहीं आ जाए तो आ जाए, अदरवाइज बेटा ठीक है, उसका कोई बहुत बड़ा रोल है नहीं, इन्फॉर्मेटिव बात है ना, उसका कोई बेटा उससे सवाल वाल नहीं होने, फिर भी क्या पता बेटा जेई मेन वाले क्या पूछ लें, तो एक इन्फॉर्मेशन और दे रहा हूँ। लिक्विड्स के लिए, लिक्विड्स का टेम्परेचर बढ़ाओगे तो बेटा उनका कोफिशियंट ऑफ विस्कोसिटी घटेगी। रफली ऐसा कह सकता हूँ कि कोफिशियंट ऑफ विस्कोसिटी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू रूट ऑफ टेम्परेचर। बेटा कोई कारण वारण डिस्कस नहीं कर रहे हैं, मतलब सिर्फ इन्फॉर्मेशन दे रहा हूँ, और वो भी ऐसी इन्फॉर्मेशन दे रहा हूँ जिसका शायद कभी यूज ना हो जाए, ठीक है, फिर भी बेटा कोई तुमसे पूछ ले तो आपको हल्का फुल्का पता होना चाहिए। गैसेस में क्या होगा कि बेटा टेम्परेचर जितना ज़्यादा होगा बेटा कोफिशियंट ऑफ विस्कोसिटी ज़्यादा होगी, एंड नीटा इज रफली बेटा डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू रूट ऑफ टेम्परेचर। कोई बेटा फिक्स रूल्स नहीं है, एक रफ सा एक तरह से ऑब्जर्वेशन टाइप है, ठीक है, कोई फिक्स रूल्स नहीं है, बट स्टिल कोई आपसे पूछ रहा होगा पता होना चाहिए। मैं ये नहीं कह रहा कि इन पर सवाल आएंगे, लेकिन बेटा आपको हल्का फुल्का आइडिया होना चाहिए, ठीक है, मेरे ख्याल से इससे बात बना। चलिए बच्चों आगे चलते हैं। नेक्स्ट इज बड़ा एक सवाल, बड़ा सवाल ऐसा है कि आपके पास ये रिवर का बेड, ये बड़ा ऊपरी ऊपर, और रिवर की जो डेप्थ है, बड़ा रिवर की जो डेप्थ है वो लगभग लगभग बड़ा लेट से 20 मीटर्स है, ठीक है, और जो वाटर है बड़ा उसकी जो कोफिशियंट ऑफ विस्कोसिटी है वो 9 मिलीपोइज है। वैसे बड़ा वाटर की विस्कोसिटी लगभग लगभग 9 मिलीपोइज होती भी है, मतलब जो एक्चुअल वैल्यू है मोर लेस वही ली है, ठीक है। यहां पर आपके पास बड़ा कोई बोट है ऐसे, ये बड़ा कोई बोट है ऐसे, ठीक है, ऐसी बोट है। इस बोट का जो क्रॉस सेक्शनल एरिया है लेट्स से बेटा इट इज 40 मीटर स्क्वायर, और हम चाहते हैं कि ये जो बोट है ये सामने की तरफ बेटा 54 किलोमीटर पर आर से भागे। तो बेटा ऑफकोर्स अगर आपको सामने की तरफ 54 किलोमीटर पर आर से अगर भगाना है तो सामने की तरफ कोई ना कोई फोर्स लगाना पड़ेगा। वो फोर्स बेटा जैसे कैसे लग सकता है, बोट के पीछे ऐसे एक यामा की मोटर लगी रहती है, यामा की मोटर लगी होगी, वो बेटा ऑफकोर्स पानी को पुश करेगी पीछे की तरफ, वही फोर्स लग जाएगा इस पर आगे की तरफ, वो जो फोर्स होगा वो बैलेंस करेगा विस्कस फोर्स को। जो बड़ी शिप्स होते हैं उनमें ऐसे रोटर्स लगे होते हैं ऐसे पंखे टाइप, वो बड़ा पानी को पुश करते हैं पीछे की तरफ, बड़ा वही फोर्स लगता है ऑफ कोर्स उस शिप पर आगे की तरफ, तो कोई ना कोई फोर्स ऐसा होगा जो बड़ा इसको सामने की तरफ कांस्टेंट वेलोसिटी से चलाएगा। कांस्टेंट वेलोसिटी से चलाने के लिए भी एक्सटर्नल फोर्स चाहिए होगा, क्योंकि जैसे वेलोसिटी सामने की तरफ आएगी विस्कस फोर्स आपका पीछे लग जाएगा, तो उसको बैलेंस करने के लिए कोई ना कोई फोर्स तो चाहिए। तो सवाल लिखिए बेटा, फाइंड फोर्स रिक्वायर्ड टू मूव दिस बोट विथ कॉन्स्टेंट वेलोसिटी 54 किलोमीटर पर आर। बेटा पहले तो इस 54 किलोमीटर पर आर को मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट कर लो। एज यू नो दैट कि 18 किलोमीटर पर आर इज 5 मीटर पर सेकंड, तो 54 किलोमीटर पर आर इज 15 मीटर पर सेकंड, ठीक है बेटा। तो बोट के साथ जो वाटर के मॉलिक्यूल्स होंगे उनकी बड़ा वेलोसिटी आप रफली मान सकते हो कि सामने की तरफ 15 मीटर पर सेकंड है, और जो सबसे नीचे ही नीचे जो मॉलिक्यूल होंगे कौन से बेटा जो बेड पे लगे होंगे उनके पास वेलोसिटी 0 होगी।
यहां से यहां तक की बड़ा डिस्टेंस मुझे बताए रखिए, दैट इज 20 मीटर। तो सबसे पहले हमारे पास वेलोसिटी ग्रेडियंट आ गया, वेलोसिटी ग्रेडियंट इज डीवी बाई डी एक्स। यहां से यहां तक स्पीड में कितना चेंज है आपको, सर 15 मीटर पर सेकेंड। यहां से यहां तक पोजिशन में कितना चेंज है, ऑफकोर्स बेटा 20 मीटर। मीटर से मीटर कैंसिल, दैट कम्स आउट टू बी 0.75 सेकेंड इनवर्स। ये क्यों निकाल रहा हूं बेटा, मैं इसलिए निकाल रहा हूं क्योंकि इस बोल्ट पर मुझे कोई ना कोई एक्सटर्नल फोर्स सामने की तरफ लगाना जरूरी इसलिए है क्योंकि इस पर पीछे की तरफ एक विस्कस फोर्स लग रहा होगा। हम चाहते हैं कि इस कांस्टेंट वेलोसिटी से मूव करें, और अगर कांस्टेंट वेलोसिटी से अगर मूव करें तो नेट फोर्स मस्ट बी जीरो, एंड नेट फोर्स मस्ट बी जीरो इट ऑब्वियसली मीन्स कि आगे का फोर्स बराबर पीछे का फोर्स। तो इस एक्सटर्नल फोर्स की जो वैल्यू होगी इट मस्ट बी इक्वल टू द विस्कस फोर्स, एंड द वैल्यू ऑफ विस्कस फोर्स इज ऑफकोर्स नीटा इंटू ए इंटू डी वी बाई डी एक्स। सब की बातें करते हैं धीरे धीरे। सबसे पहले नीटा 10 मिलीपॉइज, मिली मतलब 10^-3। पहले बोल दो बेटा, मिली मीन्स 10^-3। तो नीटा की वैल्यू आ गई है 9 × 10^-3 पॉइस। लेकिन बेटा ये भी एसआई यूनिट नहीं है, एसआई यूनिट में कन्वर्ट करने के लिए 9 × 10^-3 / 10 एसआई यूनिट थी न्यूटन सेकंड पर मीटर स्क्वायर। आई रियली होप बेटा आपको याद होगी। तो मेरे पास नीटा की वैल्यू आ गई 9 × 10^-4। बेटा याद था ना, 10 पॉइस जो था वो 1 न्यूटन सेकंड पर मीटर स्क्वायर के बराबर था, दैट इज 9 × 10^-4 न्यूटन सेकंड पर मीटर स्क्वायर मल्टीप्लाइड विथ क्रॉस सेक्शनल एरिया। बेटा क्रॉस सेक्शनल एरिया इज 40 मीटर स्क्वायर मल्टीप्लाइड बाई डी वी बाई डी एक्स, बेटा दैट इज ऑफकोर्स 0.75 सेकंड इनवर्स। सेकंड इनवर्स सेकंड कैंसिल, मीटर स्क्वायर भी आपका कैंसिल, बेटा जस्ट मल्टीप्लाई देम एंड गेट द आंसर। बेटा ये आपका एक्सटर्नल फोर्स, तो आई होप यू गेट द पॉइंट कि बेटा कैसे कैसे हम विस्कस फोर्सेस इस तरह से निकाल सकते हैं। ठीक है, चलिए बेटा इस सिचुएशन को हम थोड़ा सा और बेटर तरीके से एनालाइज भी करते हैं और बेटा आपको खूब सारी बातें कर सकते हैं इसमें, सुनिएगा। चलिए बेटा ये आपके पास रिवर का बेड, पूरे बेटा रिवर में पानी पानी, ऐसे ठीक है। और रिवर की जो डेप्थ है बड़ा, रिवर की जो डेप्थ है वो आपको गिवन है, इट इज कैपिटल एच, और रिवर में जो लिक्विड है बड़ा उसके कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी भी गिवन है, दैट इज नीटा। और इस पर बड़ा एक बोट है ऐसे, एम मास की ये एक बोट है और इसका क्रॉस सेक्शनल एरिया आपके पास ए है, और बोट जो है वो इनिशियली रेस्ट पे है, बड़ा इनिशियली रेस्ट पे है। हमने इस बोट पर सामने की तरफ बड़ा एक एक्सटर्नल फोर्स लगा रखा है जिसकी वैल्यू कैपिटल एफ है, गिवन है बेटा, गिवन है एक एक्सटर्नल फोर्स लगा रखा है सामने की तरफ कैपिटल एफ। ठीक, मेरा सवाल आपसे बड़ा ये है, फाइंड velocity of boat at any time t, draw velocity versus time curve, बड़ा velocity और time के बीच में curve बनाए, find maximum velocity of boat, बड़ा बोट की मैक्सिमम वेलोसिटी भी बताइए। ये तो बड़ा मैंने जो डायग्राम बनाया ये तो t इज इक्वल्स टू जीरो पर बनाया है। ठीक, चलिए करें, किसी भी टाइम पर बड़ा बोट की पहले हम FVD बनाएंगे और उसके बाद हम बड़ा बाकी सारे काम आगे बढ़ाएंगे। चलो करते हैं, किसी भी टाइम t पर ऐसा मान लेते हैं कि बड़ा बोट चलते चलते
यहां कहीं पहुंच गई है और बॉट की जो वेलोसिटी है बेटा लेट से वी है, ठीक है ना, बॉट की वेलोसिटी वी है, उस पर सामने की तरफ एक्सटर्नल फोर्स बेटा एफ है और पीछे की तरफ लगने वाला एक विस्कस फोर्स है। बोट की अगर वेलोसिटी वी है तो बेटा ऑफकोर्स ये जो वाटर मॉलिक्यूल जस्ट इसके साथ चिपक के चल रहा है इसकी वेलोसिटी भी वी है, जो बॉटम पर, जो बॉटम पर जो पार्टिकल है उसकी वेलोसिटी तो जीरो है। यहां से लेकर यहां तक मैं आपसे पूछूं कि वेलोसिटी ग्रेडियंट क्या होगा तो आप कहोगे सर दैट इज डीवी बाय डीएक्स, यहां वाले पार्टिकल की वेलोसिटी जीरो है, सबसे ऊपर वाला पॉइंट जो बड़ा जस्ट बोट के साथ चिपक के चल रहा है वाटर का पार्टिकल उसकी वेलोसिटी तो वी है। सो यहां से यहां तक वेलोसिटी का चेंज है वी माइनस जीरो, यहां से यहां तक पोजिशन का चेंज बड़ा ऑफकोर्स है आपका एच। विस्कस फोर्स लिखना हमारे लिए आसान सा काम है कि बेटा विस्कस फोर्स क्या फॉर्मूला था, इस लिक्विड का कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी नीटा गिवन है, मल्टीप्लाई विद क्रॉस सेक्शनल एरिया, बेटा बोट का क्रॉस सेक्शनल एरिया सवाल के अंदर कैपिटल ए दे रखा है, इंटू डी वी बाई डी एक्स हम निकाल चुके हैं दैट इज वी बाई एच। अब इस बोट पर बेटा दो फोर्स लग रहे हैं, वैसे एम जी नीचे की तरफ और बॉयंसी ऊपर की तरफ, वो तो बड़ा बैलेंस कर रहे होंगे एक दूसरे को, एक फोर्स लग रहा है सामने की तरफ एफ और पीछे की तरफ लग रहा है एक विस्कस फोर्स जिसकी वैल्यू है नीटा इंटू ए इंटू वी बाई एच। ये जो एफ है ये तो कॉन्स्टेंट फोर्स है लेकिन पीछे की तरफ लगने वाला विस्कस फोर्स बड़ा कॉन्स्टेंट नहीं है, वो लगातार टाइम के साथ वेरी कर रहा है और बल्कि बढ़ रहा है। सर कैसे बढ़ रहा है, देखो बिल्कुल शुरुआत में हम जानते हैं कि बोट पर, बोट के पास कोई वेलोसिटी नहीं है, बोट के पास कोई वेलोसिटी नहीं है तो बोट के और उसके नीचे वाले लेयर के बीच में कोई रिलेटिव मोशन नहीं है। अगर रिलेटिव मोशन नहीं है तो ऑब्वियस बात है कि बड़ा कोई वेलोसिटी ग्रेडियंट नहीं है, और वेलोसिटी ग्रेडियंट नहीं इसका मतलब कोई विस्कस फोर्स नहीं है, तो बोट के पास शुरुआत में सिर्फ और सिर्फ सामने की तरफ फोर्स लगेगा एफ, लेकिन जैसे ही बोट आगे की तरफ मूव करेगी बोट के पास वेलोसिटी आएगी, जैसे ही बोट के पास वेलोसिटी आएगी ऑफकोर्स ये वेलोसिटी ग्रेडियंट आएगा, जैसे ही वेलोसिटी ग्रेडियंट आएगा पीछे की तरफ विस्कस फोर्स भी लगेगा, लेकिन बिल्कुल शुरुआत में बोट के पास वेलोसिटी होगी कम, बोट के पास वेलोसिटी होगी कम तो ऑफकोर्स ये विस्कस फोर्स भी होगा कम, ये वाला फोर्स ज्यादा होगा विस्कस फोर्स कम होगा तो नेट फोर्स होगा आगे, वो जो नेट फोर्स आगे तो एक्सेलरेशन आगे, और अगर एक्सेलरेशन आगे तो ये सामने की तरफ लगने वाला जो एक्सेलरेशन है ये बोट की लगातार वेलोसिटी को बढ़ाएगा 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 बढ़ाएगा, और बोट की अगर ऐसे वेलोसिटी लगातार बढ़ती गई बढ़ती गई बढ़ती गई बढ़ती गई तो पीछे की तरफ लगने वाला विस्कस फोर्स भी लगातार बढ़ता जाएगा बढ़ता जाएगा बढ़ता जाएगा। बोट पर आगे वाला फोर्स तो फिक्स है, बोट पर पीछे की तरफ लगने वाला विस्कस फोर्स लगातार बढ़ता गया बढ़ता गया बढ़ता गया बढ़ता गया, तो एक टाइम ऐसा आएगा जब आगे लगने वाला एक्सटर्नल फोर्स और पीछे लगने वाला विस्कस फोर्स दोनों बराबर हो जाएंगे, जैसे ही दोनों बराबर हो जाएंगे उसके बाद इस बोट पर नेट फोर्स जीरो हो जाएगा, एक्सेलरेशन जीरो हो जाएगा, विस्कस फोर्स जो है वो आपका कांस्टेंट हो जाएगा, नेट फोर्स जीरो, विस्कस फोर्स कांस्टेंट होकर इसके बराबर आ गया और इस केस में आपकी वेलोसिटी विल बिकम कांस्टेंट। तो मैं, मुझे ऐसा लगता है कि पहले वेलोसिटी लगातार बढ़ेगी 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 और कभी ना कभी ऐसा स्टेडी स्टेट आएगा जब आगे वाला फोर्स और पीछे वाला फोर्स बराबर हो जाएंगे, जैसे दोनों फोर्सेस बराबर हो जाएंगे बेटा वैसे ही एक्सेलरेशन जीरो, वेलोसिटी विल बिकम कांस्टेंट, वेलोसिटी विल बिकम कांस्टेंट, वेलोसिटी विल बिकम कांस्टेंट, तो विस्कस फोर्स बिकम्स कांस्टेंट एंड दीज वैल्यूज विल गेट इक्वल, फिर कांस्टेंट वेलोसिटी से आपके बेटा बोट सामने तरफ मूव करती रहेगी। आई होप यू गेट द पॉइंट, हम बड़े आराम से कैलकुलेट कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए बेटा एक्सेलरेशन आगे है, यहां पर न्यूटन्स लॉ थोड़ा बहुत ही आसान है, एफ आगे माइनस नीटा ए अपॉन एच इंटू वी, ये पीछे, दिस इज द नेट फोर्स, नेट फोर्स मस्ट बी इक्वल्स टू बोट का मास इंटू एक्सेलरेशन, एक्सेलरेशन इज ऑफ कोर्स डीवी बाई डीटी। बहुत ही आसान सा इंटीग्रेशन बेटा, तो बहुत ही आराम से डूएबल हमारे लिए, तो हम इसको बड़े आराम से ले सकते हैं कि dt को तो ऊपर ले आओ, m ठीक है बेटा, dv ठीक है, f माइनस नीटा a अपॉन h इंटू वी, इंटीग्रेट इंटीग्रेट। जब टाइम जीरो था बिल्कुल शुरुआत में तो आपकी बोट रेस्ट पे थी तो इनिशियल वेलोसिटी जीरो थी, किसी भी टाइम t पर बेटा बोट की वेलोसिटी लेट से बढ़ते 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 v, लेफ्ट हैंड साइड में dt है उसका इंटीग्रेशन तो t आएगा, राइट हैंड साइड में m तो ठीक है बेटा हल्का फुल्का आपका इंटीग्रेशन तो आता ही होगा, v का जो कॉफिशियंट है कौन है, माइनस नीटा a
अपॉन एच, उससे डिवाइड करते हैं और इसका इंटीग्रेशन आएगा लॉग ऑफ एफ माइनस नीटा ए वी अपॉन एच। लेकिन बेटा वी कहां से कहां तक वेरी करना है मुझे, जीरो से लेके वी तक। अगला स्टेप बेटा मैं यहां लिख लूं, मेरे पास आ गया माइनस नीटा ए टी, नीटा ऊपर ए ऊपर टी अपॉन एम एच इज इक्वल्स टू लॉग ऑफ, बेटा वी को वी रखना तो मेरे पास आ गया एफ माइनस नीटा ए वी अपॉन एच माइनस लॉग ऑफ, बेटा वी को जीरो रखना तो लॉग ऑफ एफ। बेटा मुझे ऐसा लगता है कि आपको हल्की फुल्की बेटा मैथमेटिक्स तो आती है, मतलब अच्छी खासी आती है, आप इसको लिख सकते हो लॉग ऑफ एफ माइनस नीटा ए वी अपॉन एच अपॉन एफ, इट कैन रिटन एज लॉग ऑफ वन माइनस नीटा ए वी अपॉन एफ एच। बेटा लॉग को हटाओ, लॉग वो बेटा तो हटाना आता ही है, इसको हम लिख सकते हैं वन माइनस नीटा ए वी अपॉन एच इज ई रेस टू पावर माइनस नीटा ए टी अपॉन एम एच, और हमारे पास बेटा ये बड़ा वन उधर गया v इधर आया, और बड़ा मेरे ख्याल से v की वे और बड़ा एफ बी एन एच। क्या आ गया बेटा मेरे पास v की वैल्यू, v की वैल्यू बेटा मेरे पास आ गई है एफ एच अपॉन नीटा ए वन माइनस ई रेस टू पावर माइनस नीटा ए टी अपॉन एम एच। ये बेटा किसी भी टाइम पर आपके पास वेलोसिटी आ गई। मैं जानता हूं कि एक्सप्रेशन थोड़ा सा टफ है, बट स्टिल बेटा इतना तो आपको समझ में आ ही गया होगा। ठीक है बेटा, इतना भी टफ नहीं है, मतलब कैलकुलेशन इतनी भी टफ नहीं थी बेटा, मेरे पास वेलोसिटी ये आ गई। तो पहला वाला काम तो हो गया, मैंने पूछा बेटा किसी भी टाइम पर बोट की वेलोसिटी क्या होगी, बेटा बोट की वेलोसिटी किसी भी टाइम पर होगी एफ एच अपॉन नीटा ए इंटू वन माइनस ई रेस टू पावर माइनस नीटा ए टी अपॉन एम एच। अगले वाले पेज पर बेटा इसका कर्व बनाते हैं। बड़ा पहले कब मैं एक बार वेलोसिटी लिख लूँ, बड़ा वेलोसिटी आई कितनी एफ एच अपॉन नीटा ए वन माइनस ई रेस टू पावर माइनस नीटा ए टी अपॉन एम एच, ये बड़ा हमारा वेलोसिटी का एक्सप्रेशन है। अब देखना बेटा, अगर कोई मुझसे पूछ ले कि सर वेलोसिटी का ग्राफ बनाओ, बिल्कुल बनाएंगे बेटा ग्राफ, ग्राफ तो बेटा मेरे ख्याल से बहुत ही आसान आसान से। ठीक है बेटा, मैं इस तरफ वेलोसिटी लिख रहा हूं, सॉरी बेटा मैं इस तरफ टाइम लिख रहा हूं और इस तरफ वेलोसिटी लिख रहा हूं। टी इज इक्वल टू जीरो पुट कर दो, e रेस टू पावर जीरो बड़ा वन होता है, वन माइनस वन जीरो होता है, और t इज इक्वल्स टू जीरो पर आपकी वेलोसिटी जीरो है। उसके बाद आप देख रहे बेटा इस बात को कि जैसे जैसे t बढ़ेगा बेटा ये वाला टर्म घटेगी, क्योंकि बेटा बाहर साइन क्या लगा हुआ है माइनस, उसके बाहर साइन क्या है माइनस, तो कुल मिलाकर लगाता है वेलोसिटी बढ़ेगी 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 बढ़ेगी। वन माइनस e रेस टू पावर माइनस एक्स का ग्राफ बड़ा ऐसा सा आता है, और अगर आपने टाइम टेंडिंग टुवर्ड इन्फिनिटी लगा दिया तो तुम जानते हो ई रेस टू पावर माइनस इन्फिनिटी आ जाएगा यहां पर। ई रेस टू पावर माइनस इन्फिनिटी मतलब बेटा वन अपॉन ई रेस टू पावर इन्फिनिटी, ई को इन्फाइनेट टाइम्स मल्टीप्लाई करोगे तो बेटा ये तो वन अपॉन इन्फाइनेट हो गया, वन अपॉन इन्फिनेट तो जीरो, तो ये वाला टर्म तो आपकी जीरो, वन माइनस जीरो इज वन, और बेटा वेलोसिटी आपकी आ जाएगी मैक्सिमम, और उसकी वैल्यू बेटा कितनी होगी, this is the maximum velocity and it will become fh upon neta i, ye bada aapki maximum velocity, aur aap bade aaram se keh sakte ho ki aise bada curve aayega usko touch karega, bada kahan par touch karega infinity pe, aisa अरेंजमेंट जिसके अंदर कर्व जो है वो किसी स्ट्रेट लाइन को इन्फिनिटी पे टच करता है, बट इसको असिम्प्टोट्स बोलते हैं।
बड़ा ये जो कर्व है ये इन्फिनिटी पर टच करेगा, ये बड़ा आपका कर्व है। वी मैक्स बड़ा अपने निकाल ली है कि मैक्सिमम वेलोसिटी इज एफ एच अपॉन नीटा ए, ये बड़ा अपनी मैक्सिमम वेलोसिटी है। आई होप बड़ा समझ गए इस बात को। इस मैक्सिमम वेलोसिटी को हम लोग डायरेक्ट भी सोच सकते थे, कैसे? सुनना सुनना बेटा, हम जानते हैं कि बोट पर कुल मिलाकर सामने की तरफ एक्सटर्नल फोर्स है F और पीछे की तरफ कोई ना कोई विस्कस फोर्स है, और ये विस्कस फोर्स बड़ा जितनी ज्यादा वेलोसिटी होगी विस्कस फोर्स उतना ही ज्यादा होगा, ये तो हम समझ गए थे। ठीक है, अब सुनना, शुरुआत में विस्कस फोर्स था नहीं क्योंकि वेलोसिटी नहीं थी, t इज इक्वल्स टू जीरो पर तो वेलोसिटी नहीं थी, और वेलोसिटी नहीं थी तो विस्कस फोर्स नहीं था, विस्कस फोर्स नहीं था तो सामने की तरफ सिर्फ और सिर्फ एक ही फोर्स था, जो सामने की तरफ नेट फोर्स था मेरे बच्चों तो सिर्फ और सिर्फ F था, वो तो सिर्फ और सिर्फ F था, सिर्फ और सिर्फ F था। ये तो बड़ा t इक्वल टू जीरो पर था। अब क्या होगा कि जैसे जैसे टाइम बढ़ेगा वैसे वैसे पीछे की और वैसे वैसे बड़ा ऑफ कोर्स वेलोसिटी बढ़ेगी, वेलोसिटी बढ़ेगी तो ऑफ कोर्स बड़ा विस्कस फोर्स बढ़ेगा, विस्कस फोर्स बढ़ेगा तो ऑफ कोर्स बड़ा आपका जो नेट फोर्स है वो तो घटेगा ना, क्योंकि विस्कस फोर्स तो पीछे लग रहा है और सामने तरफ नेट फोर्स है दिस माइनस दिस, नेट फोर्स घटेगा तो एक्सेलरेशन भी घटेगा, और एक्सेलरेशन घटता होता है ग्राफ में दिख भी रहा होगा, वेलोसिटी और टाइम ग्राफ का जो स्लोप होता है वो एक्सेलरेशन होता है, शुरुआत में स्लोप ज्यादा है फिर लगातार स्लोप घट रहा है घट रहा है घट रहा है घट रहा है, ऑफकोर्स बड़ा हम जानते हैं कि एक्सेलरेशन भी टाइम के साथ लगातार घट रहा है। टी इज इक्वल्स टू जीरो पर कोई कहते हैं कि सर एक्सेलरेशन क्या है, तो हम बोल देंगे टी इज इक्वल्स टू जीरो पर तो कोई विस्कस फोर्स था ही नहीं, सिर्फ और सिर्फ बोट पर सामने तरफ एफ था, तो हम बड़े आराम से कह सकते हैं कि टी इज इक्वल्स टू जीरो पर तो आपका एक्सेलरेशन एफ बाई एम है। हम चाहें तो ग्राफ के अंदर भी इस बात को दिखा सकते हैं कि टी इज इक्वल्स टू जीरो पर अगर कोई इस पर टेंजेंट बना ले और अगर ये वाला एंगल थीटा हो तो हम बड़े आराम से कह सकते हैं कि टेन थीटा इज एफ बाई। लेकिन जैसे जैसे समय बीता वैसे वैसे बोट की वेलोसिटी बढ़ी, बोट की वेलोसिटी बढ़ी पीछे की तरफ लगने वाला विस्कस फोर्स बढ़ा, सामने पीछे की तरफ लगने वाला विस्कस फोर्स बढ़ा, तो आगे की तरफ लगने वाला नेट फोर्स घटा, नेट फोर्स घटा तो ऑफ कोर्स एक्सेलरेशन भी घटा, एक्सेलरेशन घटा तो वेलोसिटी और टाइम ग्राफ का स्लोप भी लगातार घटा। और तो और अगर मैं टाइम टेंडिंग टुवर्ड इन्फिनिटी पर चला जाऊं, बहुत 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 टाइम बाद चला जाऊं, जिसे मैं स्टडी स्टेट भी कह सकता हूं, तो बहुत टाइम बाद चलते 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 ऐसा आएगा कि आगे वाला फोर्स और भाई पीछे वाला फोर्स तो आगे वाला फोर्स तो फिक्स है, पीछे वाला फोर्स बढ़ते 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 आगे वाले फोर्स के बराबर हो जाएगा, और बराबर हो जाएगा तो उस केस के अंदर आपकी वेलोसिटी सबसे ज्यादा हो जाएगी और उस टाइम पर आपका जो विस्कस फोर्स है वो आगे वाले फोर्स के बराबर हो जाएगा, आपका जो नेट फोर्स है बड़ा वो जीरो हो जाएगा, एक्सेलरेशन आपका जीरो हो जाएगा, एक्सेलरेशन तो जीरो होना ही था, ये देखो बेटा स्लोप क्या हो गया है जीरो, और इस टाइम पर आगे वाला फोर्स और पीछे वाला फोर्स बराबर हो गया तो आप कह सकते हो कि F शुड बी इक्वल टू पीछे की तरफ नीटा ए वी बाई एच, और इस मैक्सिमम वेलोसिटी का वैल्यू बड़े आराम से आ गई है एफ एच अपॉन नीटा ए, एंड दिस इज ऑफ कोर्स मेरे बच्चे वी मैक्स। डायरेक्ट सोच सकते थे अपन, है कि बेटा डायरेक्ट सोच सकते थे। IIT JEE एडवांस में ऐसी ही सिमिलर सिचुएशन में एक बार ये पूछ रखा है कि बताओ जो विस्कस फोर्स है उसका पावर कैसे वेरी करेगा, पूछ रखा बेटा पूछ रखा, तो तुम्हें घबराने की जरूरत थोड़ी है। आप बोलोगे कि अगर कोई मुझसे पूछ ले कि व्हाट इज पावर ऑफ विस्कस फोर्स, तो बड़ा पावर का तो सीधा सीधा एक फॉर्मूला होता है एफ डॉट वी, विस्कस फोर्स का पूछा है तो विस्कस फोर्स, विस्कस फोर्स की वैल्यू कितनी है नीटा इंटू ए इंटू वी बाई एच, यही है बेटा सवाल में तो, इंटू वी इंटू कॉस ऑफ एंगल बिटवीन देम, बेटा ये तो डॉट प्रोडक्ट, विस्कस फोर्स लग रहा है पीछे ऑफ कोर्स बेटा इस बोर्ड के पास वेलोसिटी है आगे, तो एंगल है बेटा आपका पाई, कॉस पाई वैल्यू कितनी है माइनस वन, तो अगर मुझसे पूछ ले कि सर विस्कस फोर्स क्या है तो दैट इज सॉरी विस्कस फोर्स का पावर क्या है, दैट इज माइनस नीटा ए वी स्क्वायर अपॉन एच,
माइनस साइन तो सिर्फ और सिर्फ ये बता रहे हैं कि बेटा विस्कस फोर्स का वर्क डन नेगेटिव है, उसका पावर नेगेटिव है, नेगेटिव तो होना ही था, वो तो मोशन को रिटार्ड कर रहा है, बोर्ड जा रही है आगे, विस्कस फोर्स लग रहा है पीछे, हमें इस बात का आइडिया था। और हमें किसी भी टाइम पर वेलोसिटी पता है, इस बात का सीधा अर्थ यह है कि हमें किसी भी टाइम पर बड़े आराम से पावर पता है कि विस्कस फोर्स का पावर क्या होगा। विस्कस फोर्स का पावर होगा माइनस नीटा ए वी स्क्वायर अपॉन एच, और किसी भी टाइम पर वी क्या है हमें लिखना आता है, हमें लिखना आता है, बिल्कुल सब काम कर सकता है। आई रियली होप कि बेटा आपको ग्राफ भी समझ में आ गया, बेटा बहुत ही आसान सा काम था, कोई बेटा बहुत टफ काम तो नहीं था, ठीक है। आगे चले बच्चों, चलिए एक सवाल और बेटा, अगले पेज पे आते हैं। ये इंक्लाइन प्लेन, ये वाला एंगल बेटा आपका 30, ठीक है। इस पर बेटा एक ब्लॉक पड़ा है, ये बड़ा क्यूबिकल ब्लॉक है, इसका बड़ा मास 2 kg है, लेकिन बड़ा ये जो ब्लॉक है ना, ये क्यूब, ये इस इंक्लाइन प्लेन पर सीधा नहीं पड़ा, बीच में बड़ा ऐसे एक लिक्विड है, थिन लेयर, बड़ा ऐसे लिक्विड, बड़ा ऑयल वगैरह मान लो कि ऐसे ऑयल की थिन फिल्म है ऐसे, ये बेटा कोई ऑयल है, इस ऑयल की बेटा कोई लेयर है, जिस लेयर की थिकनेस बेटा मुझे पता नहीं है, मैं इसे एक बार टी लिख देता हूं, बेटा मुझे पता नहीं है कितनी है, मैंने क्वेश्चन मार्क लगा दिया। हाँ ये जरूर पता है कि इस ऑयल की कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी जो है वो बेटा मुझे, मैं बेटा किसी और कलर से लिखता हूं, फाइव, अरे इसकी बेटा कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी जो है वो मुझे 5 centipoise दे रखी है, घबराओ मत, सब देख लेंगे, सब centipoise दे रखी है। और ये जो ब्लॉक है ये बेटा नीचे की तरफ कांस्टेंट वेलोसिटी से आ रहा है 10 meters per second से, ये बेटा सवाल के अंदर दिया हुआ है कि ये कांस्टेंट वेलोसिटी 10 meters per second से इस ऑयल की थिन फिल्म पर बड़े आराम से नीचे आ रहा है, कोई बात नहीं, फाइंड थिकनेस ऑफ ऑयल लेयर या बड़ा ऑयल फिल्म, कर देंगे यार, बड़े आराम से कर देंगे। इस क्यूब पर बड़ा ऑफ कोर्स एमजी लग रहा होगा, नॉर्मल लग रहा होगा, ये क्यूब बड़ा सीधा इंक्लाइन प्लेन के टच में तो है नहीं कि मैं कह दूं कि काइनेटिक फ्रिक्शन लगेगा, बच्चे मतलब सर काइनेटिक फ्रिक्शन नहीं, ये कॉन्टेक्ट में है लिक्विड के, ऑयल इज ऑफ कोर्स, तो उस पर पीछे की तरफ एक विस्कस फोर्स लगेगा, और ये जो बेस है ना, ये बड़ा बेस, स्क्वायर बेस है, क्यूब है, साइड है, और बड़ा मैं एक चीज बोलना भूल गया सवाल के अंदर, लिखना इस क्यूब की जो साइड है बड़ा वो 2 meters, क्यूब की साइड जो बड़ा 2 meters, तो इसका जो बेस होगा उस पर ऊपर की, उस पर जैसे ही जाएगा नीचे की तरफ तो इस पर बड़ा फ्रिक्शन फोर्स लगेगा पीछे की तरफ, सॉरी बेटा फ्रिक्शनल फोर्स नहीं, विस्कस फोर्स, निकाल देंगे, कोई चिंता वाली बात नहीं, इसका फॉर्मूला हम जानते हैं, दैट इज नीटा इंटू ए इंटू डी बाई डी एक्स, डी बाई डी एक्स इज ऑफ कोर्स वेलोसिटी ग्रेडियंट, एम जी कॉस टा और नॉर्मल तो कैंसिल हो गए, ऑफ कोर्स बड़ा नीचे की तरफ एक फोर्स और लग रहा होगा, दैट इज एम जी साइन थीटा, एम जी साइन थीटा सोचना आसान सा काम है, मास है बड़ा 2 kg, जी है बड़ा 10,
साइन 30 बड़ा हाफ, तो बड़ा मेरे ख्याल से ये तो आ गया 10 न्यूटन। कॉन्स्टेंट वेलोसिटी से मूव कर रहा है, सवाल के अंदर दे रखा है, तो जितना फोर्स नीचे की तरफ उतना फोर्स ऊपर की तरफ, तो पक्की बात है कि विस्कस फोर्स जिसका फॉर्मूला नीटा ए डीवी बाई डीएक्स होता है, उसकी वैल्यू बड़ा पक्की बात है कि 10 न्यूटन है। जितना फोर्स डाउन द इंक्लाइन उतना फोर्स ही अप द इंक्लाइन। बारी बारी से हर चीज लिखते हैं। नीटा 5 सेंटीपोइस, पहले थोड़ा सेंटी को हटाओ। आई रियली होप बड़ा आपको पता है कि सेंटी का अर्थ होता है 10^-2। मिली होता है 10^-3। सेंटी होता है 10^-2। लेकिन पोइस भी ऐसा यूनिट नहीं है, पोइस भी बड़ा अपनी सीजीएस यूनिट है, तो इसको मैं लिखता हूं 5×10^-3 न्यूटन सेकंड पर मीटर स्क्वायर। आई एम रियली होपिंग कि आपको पता है कि कैसे कन्वर्ट करना है, मैं सिखा चुका हूं आपको। तो विस्कस फोर्स है सबसे पहले नीटा, नीटा इज 5×10^-3 न्यूटन सेकंड पर मीटर स्क्वायर इंटू क्रॉस सेक्शनल एरिया। कितना एरिया बड़ा इस ऑयल के टच में, आप बोलो सर नीचे वाला जो स्क्वायर है ये लिखना है मेरे को, बड़ा इस नीचे वाले स्क्वायर का एरिया लिख दोगे, आप बोलोगे हाँ सर बिल्कुल लिख देंगे, क्यूब है एल इंटू एल, दिस एरिया इज ऑफ कोर्स 4 मीटर स्क्वायर, 2 मीटर × 2 मीटर मल्टीप्लाई बाई डीवी बाई डी एक्स। सबसे इंपॉर्टेंट यही है सर, इसे क्या लिखो, बड़ा सिंपल, आपका ये रहा इंक्लाइन प्लेन, ये एक तरह से बड़ा आपके ऑयल की थिन फिल्म ऐसे मान सकते हो, जिसकी थिकनेस आप बोल रहे हो टी, जो मुझे निकालनी है, ये पूछे बड़ा सवाल के अंदर। हाँ, यहां पर इंक्लाइन प्लेन का जो पॉइंट है उसकी वेलोसिटी 0 है, और ये वाला जो ऑयल का पॉइंट है इसकी वेलोसिटी बड़ा वही मानते हैं जो ब्लॉक की है, बड़ा ब्लॉक की वेलोसिटी है 10। यहां से यहां तक चेंज इन वेलोसिटी है 10 मीटर, यहां से यहां तक चेंज इन पोजीशन बड़ा ऑफ कोर्स है टी, यहां से तक चेंज इन पोजीशन है टी। तो मेरे बच्चे बोलेंगे सर लिख दो 10 मीटर/T, सो बेटा 10 मीटर/s, मैंने बेटा डीवी मतलब बेटा चेंज इन वेलोसिटी, यहां की वेलोसिटी 0, यहां की वेलोसिटी बेटा 10 मीटर/s, तो बेटा 10 मीटर/s शुड बी इक्वल टू जितना फोर्स बेटा नीचे की तरफ लग रहा है mg sin थीटा, दैट इज 10 न्यूटन। न्यूटन से न्यूटन गया, मीटर स्क्वायर से मीटर स्क्वायर गया, सेकेंड से सेकेंड गया, और हमारे पास बड़ा देखना क्या क्या आ गया। अच्छा 10 से 10 गया, मेरे पास आ गया 5×10^-3×4×10m/T=1। तो T की बड़ा वैल्यू आ गई है, बड़ा बोलना 5×20 10^-3 m। कैलकुलेशन बड़ा चेक करते रहना है, बड़ा कैलकुलेशन चेक करते रहना। ठीक है ना, सही लग रहा है बड़ा, मुझे T निकालना था, बड़ा टी की वैल्यू आ गई 5×20। अच्छा बड़ा 10 तो गायब हो गया था, और सर बड़ा ये 10 तो गायब हो गया था, तो बड़ा 20×10^-3 m, दैट इज ऑफ कोर्स बड़ा 20 मिलीमीटर। ये बड़ा 0 आ रहा ना, ठीक है, वो बड़ा 10 तो हम कैंसिल कर चुके थे पहले से, बड़ा 20 मिलीमीटर आपकी थिकनेस है, ये आपका आंसर है। आई होप यू गेट द पॉइंट, आगे चलते हैं।
चलिए बच्चों और आगे चलते हैं, कुछ बेटा टफ सवाल भी करते हैं। विस्कस फोर्स इज इक्वल्स टू नीटा ए डीवी बाय डीएक्स, नीटा ए मल्टीप्लाइड विद वेलोसिटी ग्रेडियंट। इसके मैं आसान सवाल बेटा करा चुका हूं, इस फॉर्मूले पर बेस्ड आप और भी कहीं से आसान सवाल कर सकते हैं, ठीक है, अपनी शीट से, मॉड्यूल से, है ना, एचसीबी से, जहां से चाहे वहां से कर सकते हैं। अब बड़ा हम थोड़े से टफर क्वेश्चंस करेंगे, पहले बोल देता हूँ, तो जिनके बड़ा टफ सवाल करने की इच्छा ना हो वो ऑफ कोर्स बड़ा आज का लेक्चर यहीं खत्म कर सकते हैं। बाकी बेटा दोनों जब एग्जांपल आएंगे थोड़े से टफर साइड के एग्जांपल्स आएंगे, ठीक है। तो चलिए बच्चों अगला सवाल बेटा ऐसे कि आपके पास बेटा ये एक हॉरिजॉन्टल सरफेस है और इस हॉरिजॉन्टल सरफेस पर बड़ा कोई लिक्विड पड़ा है, इस हॉरिजॉन्टल सरफेस पर बड़ा थोड़ा सा लिक्विड पड़ा है, कोई ऑयल वगैरह पड़ा होगा टी थिकनेस बड़ा इसके, ऐसे ऑयल पड़ा है और उसकी टी थिकनेस है, ठीक है बच्चों। इसके ऊपर बेटा हमने क्या किया कि एक डिस्क रख दी, इस टेबल के ऊपर बेटा हमने एक, मतलब इस ऑयल के ऊपर हमने एक डिस्क रख दी आर रेडियस की, तो ऐसे बेटा एक आर रेडियस की डिस्क है, दिस इज एम मास, आर रेडियस, ये बड़ा आपके पास एक यूनिफॉर्म डिस्क है और हमने टीज हमने क्या किया कि बेटा इसको किसी कांस्टेंट ओमेगा से हम घुमाना चाहते हैं, कांस्टेंट एंगुलर वेलोसिटी से हम इसको घुमाना चाहते हैं। इस डिस्क को अगर आप लिक्विड पे ऐसे घुमाओगे तो लिक्विड ऑफ कोर्स बड़ा अपोजिट डायरेक्शन में कोई ना कोई फोर्स लगाएगा, उसका बड़ा कोई ना कोई टॉर्क आएगा और जितना टॉर्क उस लिक्विड के विस्कस फोर्स का आएगा उतना ही एक्सटर्नल टॉर्क आपको लगाना पड़ेगा, तब जाके इसका ओमेगा कांस्टेंट रहेगा। तो जिस तरफ ओमेगा है प्यारे बच्चों उस तरफ आपको एक एक्सटर्नल टॉर्क लगाना ही पड़ेगा, क्यों, क्योंकि जो लिक्विड है उसके रेस्पेक्ट में डिस्क के अलग अलग जो पॉइंट्स हैं बड़ा वो यूं घूम रहे होंगे, तो जो लिक्विड होगा जो ऑयल होगा वो बड़ा अपोजिट डायरेक्शन के अंदर इस तरह से कोई ना कोई फोर्सेस लगाएगा, वो अपोजिट डायरेक्शन में ऐसे ऐसे फोर्सेस लगाएगा तो उसका टॉर्क आएगा, जितना टॉर्क उसका ऐसे आएगा आपको उतना ही एक्सटर्नल टॉर्क इस तरह से लगाना पड़ेगा। तो इस लिक्विड की वजह से बड़ा जरूर कोई ना कोई टॉर्क आएगा एंड दैट टॉर्क विल बी अपोजिट, ये बड़ा आपके विस्कस फोर्स का कोई ना कोई टॉर्क आएगा, जो आपका लिक्विड है बड़ा उसका कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी मुझे नीटा दे रखे बड़ा। सवाल लिख देता हूं, फाइंड एक्सटर्नल टॉर्क रिक्वायर्ड टू रोटेट द डिस्क विथ कॉन्स्टेंट एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा, कॉन्स्टेंट एंगुलर वेलोसिटी से बड़ा घुमाने के लिए कितना हमें एक्सटर्नल टॉर्क लगाना पड़ेगा। तो चलो बड़ा सुनो कि किस तरह से सवाल करते हैं, बड़ा सुनिएगा, एक काम कीजिए बेटा, सबसे पहले आप सेंटर से, अच्छा मैं उसका टॉप व्यू दिखा रहा हूं बेटा, ऊपर से देखने में कैसा नजर आएगा यूं दिखा रहा हूं, आप बेटा सेंटर से ना आर डिस्टेंस दूर जाइए, बेटा सेंटर से आप आर डिस्टेंस दूर जाइए और कट लगा दीजिए, ठीक है।
आप सेंटर से आर डिस्टेंस दूर जाइए और ऐसे कट लगा दीजिए, ठीक है। फिर आर प्लस डी आर डिस्टेंस दूर और जाइए, फिर एक कट और लगा दीजिए। ऐसे, ठीक है ना। जो दूसरा आपका सर्कल है उसका रेडियस बड़ा आपका ऐसे आर प्लस डी आर, ये बड़ा आपने ऐसे रिंग ले ली, ऐसे एलिमेंटल रिंग ले ली। अगर आप ऊपर से देख रहे हो तो हम इसे कांस्टेंट ओमेगा से यू घुमाना चाहते हैं। अगर हम इसको कांस्टेंट ओमेगा से लिक्विड पर अगर यू घुमाना चाहेंगे तो जो लिक्विड होगा वो अपोजिट डायरेक्शन के अंदर ऐसे फोर्सेस लगाएगा, वो अपोजिट डायरेक्शन में ऐसे फोर्सेस लगाएगा, ऐसे विस्कस फोर्स लगाएगा। काश मैं इस विस्कस फोर्स का टॉर्क लिख लूं, तो आप बोलोगे सर छोटा सा एलिमेंट है तो विस्कस फोर्स छोटा सा आएगा, उसका टॉर्क भी छोटा सा आएगा, दैट छोटा सा टॉर्क विल बी। पहली बात बड़ा ये विस्कस फोर्स, ये विस्कस फोर्स है कितना जरा सुनना बड़ा, ये विस्कस फोर्स फॉर्मूला क्या है, नीटा एरिया, इस रिंग का एरिया बड़ा आप लोगों को लिखना आता है। मैं फिर से दिखाया था बड़ा मैंने एलिमेंट कैसे लिया है, अगर आपको नहीं समझ में आया मैं एक बार ये एलिमेंट फिर से दिखाया तो मैंने कैसे लिया है। मैंने क्या किया कि यहां से यहां से आर डिस्टेंस दूर जाके बेटा कट लिया, फिर आर प्लस डी आर डिस्टेंस दूर मैंने एक कट और लिया। मैंने ये रिंग ऐसे लिए बेटा, अगर वो टॉप व्यू समझ में नहीं आए तो ये एक बार साइड व्यू भी देख लो, है ना, मुझे कोई जल्दी नहीं बेटा। इसमें हम इसको ओमेगा से घुमा रहे हैं तो इस डिस्क के हर पॉइंट के पास, इस डिस्क के हर पॉइंट के पास वेलोसिटी है ऐसे, कितनी है ओमेगा इंटू आर, और इसके नीचे ये जो बड़ा आपका टेबल है उसके किसी भी पॉइंट की बड़ा वेलोसिटी कितनी है जीरो, और ये जो बीच में ऑयल है बड़ा बीच में जो आपका ऑयल है वो ऐसे है, और ये जो थिकनेस है ये बड़ा आपके पास कितनी है टी, और इस ऑयल की बड़ा कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी कितनी है नीटा। तो ऑफकोर्स बड़ा ये जब रिंग ऐसे घूमेगी तो इसका फोर्स लगेगा ऐसे, इसका फोर्स लगेगा ऐसे, उसका टॉर्क आएगा ऐसे, वो टॉर्क मैं लिखना चाह रहा हूं। सर टॉर्क कितना होगा बड़ा, वही बात, टॉर्क कितना होगा, टॉर्क होगा नीटा एरिया। इस रिंग का कितना एरिया बड़ा है, इस रिंग का एरिया है, आई होप बड़ा आपको याद होगा हम कैसे लिखते हैं, दैट इज टू पाई आर इंटू डी आर इंटू वेलोसिटी ग्रेडिएंट। अभी लिखता हूं, रिंग के हर पॉइंट के पास वेलोसिटी है ओमेगा इनटू आर, इस वाले पॉइंट के पास बड़ा वेलोसिटी है जीरो, तो यहां से यहां तक चेंज इन वेलोसिटी है ओमेगा इनटू आर, और यहां से यहां तक का जो चेंज इन सेपरेशन है बड़ा दैट इज ऑफ कोर्स टी। ये तो सिर्फ और सिर्फ बड़ा ये आपका फोर्स हुआ मल्टीप्लाइड बाय सेंटर से डिस्टेंस, सेंटर से डिस्टेंस इज ऑफ कोर्स आर। ये तो आपने सिर्फ और सिर्फ विस्कस फोर्स का टॉर्क लिखा, कौन से वाले विस्कस फोर्स का टॉर्क लिखा, उस वाले विस्कस फोर्स का टॉर्क लिखा जो इस आर रेडियस की रिंग जिसकी थिकनेस डी आर है उस पर लगा है। सर मुझे तो पूरे के पूरे इस डिस्क पर निकालना है, तो एक काम कीजिए पहले यहां रिंग लीजिए, फिर 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 यहां रिंग लीजिए, सर हर रिंग पर बड़ा टॉर्क लिख लीजिए और उन सबको जोड़ दीजिए। जोड़ना ऑब्वियसली मीन्स इंटीग्रेशन, तो आपको बड़ा छोटा सा इंटीग्रेशन करना है और हमारा काम बन जाएगा। अगर आपको विस्कस फोर्स का टोटल टॉर्क निकालना है तो दैट इज इंटीग्रेशन ऑफ, हाँ बेटा, नीटा कॉन्स्टेंट, टू पाई कॉन्स्टेंट, ओमेगा कॉन्स्टेंट, टी कॉन्स्टेंट, आर स्क्वायर, आर क्यूब इंटू डी आर। बड़ा आर की वैल्यू कहां से कहां तक वेरी करना है, जीरो से लेके कैपिटल आर तक, और हमारे पास बड़ा विस्कस फोर्स का टॉर्क बड़े आराम से आ गया है नीटा पाई ओमेगा अपॉन टू टी आर रेज टू पावर फोर। ये बड़ा हमारा आंसर आ गया। बड़ा इंटीग्रेशन मुश्किल तो नहीं ना, आर रेस्ट पावर फोर अपॉन फोर, बड़ा फोर से टू कैंसिल हो गया,
नीचे 2 बच गया, दैट कम्स आउट बाय नीटा पाई ओमेगा आर रेस टू पावर 4 अपॉन 2t। ये तो विस्कस फोर्स का टॉर्क आएगा, जितना विस्कस फोर्स का टॉर्क यू आएगा उतना ही आपको एक्सटर्नल टॉर्क ऐसे लगाना पड़ेगा। तो आप कह सकते हो कि सर दिस इज बेसिकली द एक्सटर्नल टॉर्क रिक्वायर्ड फॉर कॉन्स्टेंट एंगुलर वेलोसिटी ऑफ द डिस्क। डिस्क की कॉन्स्टेंट एंगुलर वेलोसिटी रहे उसके लिए इतने टॉर्क की मुझे जरूरत पड़ेगी। आई होप यू गेट द पॉइंट। आगे चलते हैं बच्चों। अच्छा सवाल था, आई नो बड़ा टफ सवाल था, लेकिन इसमें विस्कस फोर्स लिखना मुश्किल काम थोड़ी था, टॉर्क लिखना मुश्किल काम है भाई, है कि नहीं? बाकी बड़ा विस्कस फोर्स लिखना तो बहुत ही आसान काम था इसके अंदर। आगे चलते, चलिए बच्चों एक और सवाल, थोड़ा सा और टफर साइड का क्वेश्चन, बड़ा आसान नहीं सवाल, ठीक है, लेकिन विस्कस फोर्स लिखना आसान है, मतलब विस्कस फोर्स लिखना आसान है, उसके पीछे और बाकी मैथमेटिक्स मुश्किल हो सकती है, बाकी टॉर्क लिखना, अल्फा लिखना, उसको इक्वेशन को सॉल्व करना, ये चीज़ें टफ हो सकती है, विस्कस फोर्स टफ नहीं है, ठीक है। तो ये मान के चलो कि विस्कस फोर्स के अंदर हमने मल्टीपल कॉन्सेप्ट यूज कर रहे हैं और रोटेशन वगैरह के, तब जाके हमारा सवाल थोड़ा सा मुश्किल बन रहा है। तो चलिए पहले तो हम सवाल बनाते हैं। मैं बेटा पहले बोल चुका हूँ कि ये सवाल बेटा सिर्फ और सिर्फ अच्छे बच्चों के लिए, बेटा जो नॉर्मल बच्चे हों जिनको बेटा वैसे टॉर्क वोर्ड ना लिखना तो वो स्किप कर सकते हैं, आपसे वैसे बेटा सारे सारे सवाल बन जाएंगे ना, ये तो सिर्फ बड़ा टफर साइड की क्वेश्चन है। आपके पास ये बेटा आर टू रेडियस का एक होलो फिक्स्ड सिलेंडर है, आपके पास बड़ा ये एक होलो फिक्स्ड सिलेंडर, ठीक है ना, ये आपका एक होलो फिक्स्ड सिलेंडर, ये बड़ा इसकी एक्सिस इस होलो फिक्स्ड सिलेंडर की जो रेडियस है वो बेटा आपके पास R2 है, इसके अंदर एक कोएक्सियली एक सिलेंडर पड़ा है, कोएक्सियल मतलब जो सिलेंडर की एक्सिस बेटा इस सिलेंडर की एक्सिस से कोइंसाइड करती हो, तो एक सिलेंडर और पड़ा है बेटा, मैं उसको दूसरे कलर से बनाता हूं, ये आपका एक दूसरा सिलेंडर है कोएक्सियली पड़ा है ऐसे, ये बड़ा आपका सॉलिड सिलेंडर है, इसका रेडियस मेरे बच्चे R1 है, मास इसका m है, ये आपके पास एक यूनिफॉर्म सॉलिड सिलेंडर है बड़ा, इसकी लेंथ l है, यहां से लेकर बड़ा यहां तक इसकी लेंथ जो बड़ा ये l है, गिवन है, ये गिवन है। इन दोनों सिलेंडर्स के बीच में बड़ा कोई लिक्विड है ऐसे, ठीक है, ऐसे लिक्विड है बड़ा, ऐसा लिक्विड जिसके कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी नीटा है, ठीक है, और t इज इक्वल्स टू जीरो पर बड़ा मैंने क्या किया कि इस अंदर वाले सिलेंडर को ओमेगा नॉट से घुमा के छोड़ दिया, ये ओमेगा नॉट एंगुलर वेलोसिटी हमेशा नहीं है बड़ा, ये सिर्फ और सिर्फ इनिशियली है, फिर हो सकता है बड़ा कोई टॉर्क वर्क लगे तो इसकी एंगुलर वेलोसिटी घटे, हो सकता है।
या सारा सारा सिचुएशन बढ़िया से समझ पाऊँ, इसलिए मैं इसको एक काम करता हूँ, एक डायग्राम और बनाता हूँ। इस पूरी सिचुएशन को अगर मैं ऊपर से देखूँ तो कैसी नजर आएगी, तो इसका एक टॉप व्यू बड़ा और सुनो। तो बाहर वाला तो सिलेंडर ना बड़ा, वो तो आपका फिक्स है ऐसे, ठीक है। अंदर वाला जो सिलेंडर है बड़ा, वो आपका ऐसे, ठीक है, ये अंदर वाला सिलेंडर। और रेडियस की बात करें तो बड़ा, अंदर वाले की रेडियस बड़ा आर वन है, और बाहर वाले की बड़ा रेडियस आपकी आर टू। बाहर वाला जो सिलेंडर है बड़ा, वो तो फिक्स्ड है, अंदर वाला मूव कर सकता है। अच्छा, अंदर वाला जो है ना वो सॉलिड है, उसका मास एम है, लेंथ बड़ा ऐसे उसकी एल है, और शुरुआत में मैंने इसको ऐसे ओमेगा नोट से घुमा के छोड़ दिया। ओमेगा नोट हमेशा नहीं है बड़ा, ओमेगा नोट सिर्फ और सिर्फ इनिशियली है, और बीच में बड़ा लिक्विड है, ऐसा लिक्विड जिसके कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी मुझे गिवन है कि इट इज नीटा, ठीक है ना, सारी बातें बड़ा ठीक है, बढ़िया। चलो सवाल लिक्विड, फाइंड एंगुलर वेलोसिटी ऑफ सॉलिड सिलेंडर। ऑफ कोर्स बेटा सॉलिड सिलेंडर का ओमेगा निकाल सकते हो कभी भी, बाहर वाला तो फिक्स है। फाइंड एंगुलर वेलोसिटी ऑफ सॉलिड सिलेंडर एट एनी टाइम टी, किसी भी टाइम टी पर बेटा सॉलिड सिलेंडर के पास कितनी एंगुलर वेलोसिटी होगी ये निकाल ली। चलो बेटा निकालते करते बेटा। सबसे पहले हम ये मानते हैं, अच्छा मुझे इसके लिए बेटा एक नया पेज चाहिए होगा, मुझे सारी बातें याद ही है, ठीक है चलो आगे चलते हैं, नया पेज चाहिए होगा। पहले हम ऐसे मान लेते हैं कि किसी भी टाइम टी पर बेटा कहानी ऐसी है, किसी भी टाइम टी पर मेरे बच्चे कहानी ऐसी है कि ये बेटा आपका बाहर वाला सिलेंडर, ये बड़ा आपका बाहर वाला सिलेंडर, और ये इसकी एक्सेस, ये बड़ा आपका अंदर वाला सिलेंडर, और बाहर वाले का जो रेडियस है बड़ा आपका आर टू है, अंदर वाले का जो रेडियस है बड़ा आपका वो आर वन है। किसी टाइम टी पर बड़ा मान लीजिए कि आपके इस अंदर वाले सिलेंडर के पास एंगुलर वेलोसिटी चेंज होकर ओमेगा हो गई है, शुरुआत में कितनी थी ओमेगा नॉट, अभी ओमेगा हो गई है, बट ऑफ कोर्स अरे बीच में लिक्विड तो था ही, जो लिक्विड है वो विस्कस है, और उस लिक्विड का कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी मुझे नीटा दे रखा है, लेंथ बड़ा आपके पास एल है। अब सुनना इस बात को बड़ा, सुनना इस बात को आराम से सुनिएगा बेटा, कोई जल्दबाजी नहीं मेरे को। ये जो पॉइंट है, यही नहीं बल्कि चाहे ये वाला पॉइंट हो, चाहे ये वाला पॉइंट हो, चाहे ये वाला पॉइंट, कोई सा पॉइंट, हर पॉइंट के पास स्पीड है ऐसे, दैट इज ओमेगा इनटू आर वन। इस पॉइंट के पास बेटा ऑफ कोर्स ये तो फिक्स्ड सिलेंडर के कॉन्टेक्ट में है, फिक्स सिलेंडर कॉन्टेक्ट में है, तो यहां पर जो लिक्विड का पॉइंट होगा उसकी वेलोसिटी जीरो। तो वो लिक्विड के पार्टिकल जो इस सॉलिड सिलेंडर के टच में है उनके पास वेलोसिटी लगभग लगभग ओमेगा इनटू आर वन है,
और ये लिक्विड के पार्टिकल्स जो बाहर वाले सिलेंडर के टच में, उनके पास वेलोसिटी कितनी है? जीरो. और इन दोनों के बीच में जो सेपरेशन है, दैट इज ऑफ कोर्स आर टू माइनस आर वन. तो मैं यहां से बड़े आराम से बेटा मैं यहां पर वेलोसिटी ग्रेडियंट लिख सकता हूं, डीवी बाई डीएक्स लिख सकता हूं, कि यहां से यहां तक वेलोसिटी चेंज हुई है ओमेगा आर वन, और ये चेंज होने में डिस्टेंस लगी है आर टू माइनस आर वन. अच्छी बात है. चलो मैं दूसरे डायग्राम से दिखाता हूं, टॉप व्यू से भी दिखाता हूं. बेटा मुझे लगता नहीं कि कोई खास मुश्किल काम है, टॉप व्यू से भी बनी जाएगा. ले बेटा बीच में आपका लिक्विड किसी भी टाइम पर ये जो पॉइंट है इसके पास बड़ा वेलोसिटी जीरो है, और आपका जो सॉलिड सिलेंडर है इसके किसी भी टाइम पर बड़ा मान लेते हैं कि एंगुलर वेलोसिटी है ओमेगा, रेडियस बड़ा इसका आर वन है, बाहर वाले का बड़ा आपका रेडियस आर टू है. तो इस पॉइंट के पास जो वेलोसिटी होगी बड़ा दैट विल बी ऑफ कोर्स ओमेगा इनटू आर वन. इस पॉइंट के पास बड़ा जो वेलोसिटी होगी बड़ा दैट विल बी ऑफ कोर्स जीरो. और इन दोनों के बीच में जो सेपरेशन है बड़ा दैट इज ऑब्वियस बात है आर टू माइनस आर वन. तो मेरे पास इन दोनों पॉइंट्स के बीच में एक तरह से वेलोसिटी ग्रेडियंट आ गया. जैसे ही ये सिलेंडर घूमेगा ऐसे, तो ऑब्वियस बात है कि जो लिक्विड इसके टच में है बड़ा वो इस पर विस्कस फोर्स लगाएगी ऐसे. यूं ये घूमेगा ऐसे तो विस्कस फोर्स लगेगा ऐसे, और ये जो विस्कस फोर्स लग रहा है ये ओमेगा की तरफ नहीं है, ये ओमेगा की तरफ नहीं, ओमेगा के अपोजिट है. इसका मतलब ओमेगा को घटाएगा. ओमेगा को घटाएगा तो निकाल लेंगे अल्फा, अल्फा निकाल लेंगे, कर लेंगे सोल्व. पहले टॉर्क निकालते हैं कि आखिर टॉर्क है कितना. बेटा देखना इस टॉर्क को हम बड़े आराम से लिख सकते हैं. दिस टॉर्क विल बी दिस विस्कस फोर्स मल्टीप्लाइड बाई एक्सिस से दूरी. एक्सिस से दूरी है आर वन. मुझे बड़ा ये विस्कस फोर्स लिखना है, लिख देंगे. लिक्विड का नीटा मल्टीप्लाइड बाई इस सॉलिड का वो एरिया, इस सॉलिड का वो एरिया जो लिक्विड के कांटेक्ट में है, जो लिक्विड के कांटेक्ट में है वो एरिया बड़ा हम जानते हो, दैट विल बी 2 पाई आर वन इंटू एल. दिस इज द एरिया विच इज इन द कांटेक्ट ऑफ दिस लिक्विड. तो आप बड़े आराम से कह सकते हो कि नीटा ए 2 पाई आर वन एल इंटू डीवी बाई डी एक्स दैट इज ओमेगा आर वन अपॉन आर टू. समझ गए बच्चों इस बात को. नीटा ए एरिया कौन सा? वो एरिया जो लिक्विड के कांटेक्ट में है. बड़ा लिक्विड के कांटेक्ट में सारा एरिया है. नीटा ए, ओ सॉरी बेटा मैंने एरिया गलत लिख दिया, यहां बड़ा पाई भी आएगा. ऑफ कोर्स बेटा मुझे तो ये वाला एरिया लिखना है 2 पाई आर वन इंटू एल. दिस इज द टॉर्क विस्कस फोर्स इंटू आर वन बेटा दिस इज योर टॉर्क एंड टॉर्क शुड बी इक्वल टू आई इंटू अल्फा. इस एक्सिस के अबाउट सॉलिड सिलेंडर का मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या होता है? आप बोले मोमेंट ऑफ इनर्शिया होता है एम आर स्क्वायर बाय 2. सॉलिड सिलेंडर का मास है एम, रेडियस है बड़ा आर वन का स्क्वायर अपॉन 2 इंटू अल्फा. आर वन का स्क्वायर ये दोनों कैंसिल, हमारे पास अल्फा की वैल्यू आ गई बेटा, अल्फा की वैल्यू आ गई 2. ठीक है बेटा नीटा ठीक है, 2 ठीक है नीटा ठीक है, पाई ठीक है, एक आर वन ठीक है, एल है, ओमेगा है. अच्छा 2 ऊपर आ जाएगा तो बड़ा ये 4 हो जाएगा. नीचे क्या आ गया बेटा? एम टाइम्स आर टू माइनस आर वन. बेटा एक बार कैलकुलेशन चेक कर लेना, 4 पाई नीटा आर वन बड़ा आर वन का स्क्वायर, आर वन का स्क्वायर तो कैंसिल ही हो गया था. R1 into L into omega upon m times R2 minus R1. This is omega.
दिस इज अल्फा, दिस इज द एंगुलर एक्सलेशन, टॉर्क इज ऑलवेज इक्वल टू आई इंटू अल्फा, ये अल्फा आ गया। अल्फा कॉन्स्टेंट नहीं है, हम जानते हैं कि सिलेंडर घूमेगा ऐसे तो टॉर्क लगेगा, ऐसे वो टॉर्क लगातार ओमेगा को घटाएगा, ओमेगा लगातार घटेगा तो अल्फा भी लगातार घटेगा, एक्सप्रेशन ही ऐसा है, अल्फा इज नॉट कॉन्स्टेंट। तो एक काम करो, इस अल्फा को बड़े प्यार से लिख दो माइनस डी ओमेगा बाई डी टी। मेरे बच्चे भी सोच रहे होंगे कि सर ओमेगा तो सर सॉरी अल्फा तो सर डी ओमेगा बाई डी टी होता है, बड़ा डी ओमेगा बाई डी टी होता है तब जब बड़ा अल्फा और ओमेगा सेम डायरेक्शन में हो। अब ओमेगा है ऐसे, अल्फा है उसके अपोजिट, अल्फा जो ओमेगा को बढ़ा नहीं रहा बल्कि घटा रहा है, तो माइनस लगा दो। सर अल्फा को आपने माइनस डी ओमेगा बाई डी टी ही क्यों लिखा, आपने इसको माइनस डी ओमेगा सॉरी माइनस ओमेगा डी ओमेगा बाई डी थीटा क्यों नहीं लिखा, आपने ये भी सिखा रखा सर्कुलर मोशन में, वो बेटा इसलिए क्योंकि मुझे ओमेगा एज अ फंक्शन ऑफ टाइम चाहिए, अगर मुझे ओमेगा एज अ फंक्शन ऑफ एंगल चाहिए होता तो ये लिखता, हम ये भी लिख सकते थे, हमने जानबूझ के नहीं लिखा, हम बेटा जानबूझ के नहीं लिखा। अब तो हो जाएगा सोल्व बेटा, फोर ठीक है, पाई ठीक है, नीटा ठीक है, आर वन ठीक है, एल ठीक है, एम टाइम्स आर टू माइनस आर वन ठीक है, डी टी ऊपर ठीक आ जाएगा, माइनस यहाँ आ जाएगा, इज इक्वल्स टू डी ओमेगा अपॉन ओमेगा, इंटीग्रेट इंटीग्रेट। जब टाइम जीरो था तो एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा नॉट थी, किसी भी टाइम टी पर लेट्स बेटा एंगुलर वेलोसिटी इज ओमेगा, आसान सा इंटीग्रेशन है, लेफ्ट हैंड साइड का इंटीग्रेशन आ गया माइनस फोर पाई नीटा आर वन एल अपॉन एम टाइम्स आर टू माइनस आर वन डी टी का इंटीग्रेशन टी, जीरो से टी तक लगाओगे लिमिट तो टी बच जाएगा, एंड दैट इज इक्वल्स टू एल एन ओमेगा अपॉन ओमेगा नॉट। किसी ने मुझसे पूछा सर ओमेगा कितना आ गया, बड़ा ओमेगा आ गया, ओमेगा इज इक्वल्स टू ओमेगा नॉट ई रेज टू पावर माइनस 4 पाई नीटा आर वन एल अपॉन एम टाइम्स आर टू माइनस आर वन इंटू टी, किसी भी टाइम पर बड़ा आपका ओमेगा ये। किसी ने अगर मुझसे ये पूछ लिया कि सर किस टाइम पर एंगुलर वेलोसिटी इनिशियल एंगुलर वेलोसिटी की आधी हो जाएगी, तो इस ओमेगा को ओमेगा नॉट बाई टू रख दूंगा, सॉल्व कर लूंगा। किसी ने मुझसे पूछा कि सर कब एंगुलर वेलोसिटी इनिशियल की 1/5 हो जाएगी, तो इसको ओमेगा नॉट बाई 5 रख दूंगा, कर लूंगा सॉल्व, बड़े आराम से कर लेंगे। और ये तो एक एक्सपोनेंशियली डिक्रीजिंग फंक्शन आ रहा है, तो किसी ने अगर इवन मुझसे ग्राफ पूछा तो मैं ग्राफ भी बना सकता हूं, अगर ये ओमेगा है और ये टी है तो टी इज इक्वल्स टू जीरो पर तो एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा नॉट है और उसके बाद लगातार एक्सपोनेंशियली घटे जा रहा है, घटे जा रहा है, घटे जा रहा है। दिस इज योर आंसर, दिस इज योर आंसर, ऐसे बता दिया। यही नहीं, आप तो किसी भी टाइम पर कितना एंगल चला ये भी निकाल सकते हो। सर कैसे, इसी ओमेगा को लिख दो डी थीटा अपॉन डी टी, डी टी को ऊपर ले जाओ फिर से इंटीग्रेट कर दो, हम तो किसी भी टाइम पर कितना एंगल चला है वो भी निकाल सकते हैं। आई होप यू गेट द पॉइंट, थोड़ा ये सवाल है, हालांकि मैं जानता हूं कि सवाल बड़ा मैथमेटिकली थोड़ा सा टफ तो है ही है। और किसी ने मुझसे पूछा कि सर ओमेगा एज अ फंक्शन ऑफ थीटा निकाल सकते हो क्या, बड़ा बिल्कुल निकाल सकता हूं, ओमेगा एज अ फंक्शन ऑफ थीटा पूछा होता तो यहां पर बड़ा मैं डी ओमेगा बाई डी टी ना लिखता बल्कि ओमेगा डी ओमेगा बाई डी थीटा लिखता, वो तो ठीक है बेटा मैथमेटिक्स है। फिजिक्स तो बड़ा ऑफ कोर्स है ना, सिर्फ और सिर्फ कैसे विस्कस फोर्स लिखते हैं, कैसे विस्कस फोर्स का टॉर्क लिखते हैं, बस इतना सा काम था, बाकी बातें तो बड़ा ठीक है, ऑब्वियस ऑब्वियस सी है। ठीक है बच्चों, चलो बेटा हमने काफी टफ टफ काम किया है, हालांकि बेटा इतने टफ सवालों की जरूरत नहीं पड़ती बट कहीं इस तरह के सवाल अगर आ जाए तो भी आपसे बनने चाहिए, आसान सवाल किस तरह से करते हैं वो मैं आपको सिखा चुका हूँ। अगली क्लास में बेटा एक छोटा सा पोर्शन और बच गया उसको निपटाते हैं।